धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आज देखा जाए तो परीक्षा परिणाम का दिन है और वो शाम के प्रतिक्रमण के बाद निश्चित हो जाता है कि किसने कितनी गहराई से इन पर्वों की आराधना की है। उसके बारे में कुछ बोलूं बाद में, उससे पहले शास्त्र की पूर्णाहुति कर रहा हूं। गहराई से श्रद्धा के साथ उच्चारण कीजिए, जयकारा लगाइए, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए अनंत उपकारी गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए अंतिम केवली आर्य जम्बो स्वामी भगवान की। आठवां अध्ययन, आठवीं वर्ग का आठवां अध्ययन, आठ नौ दस तीन अध्ययन का पाठ है, एवं राम कन्हावी नवरम भद्दोतर परिमम उवसंपजित्तानम विहरई। तंजहा द्वाल समम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, चौदशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, सोलशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, अठारशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, बीसमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, पढ़मा लया। सोलशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, अठारशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, बीसमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, द्वालशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, चौदशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारी पारे बियालया, बीसमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, द्वालशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, चौदशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, सोलशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, अठारशमम करी करीता सब काम गुनियम पारे तैयालया, चौदशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, सोलशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, अठारशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, बीसमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, द्वालशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, चौथी लया। अठारशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, बीसमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, द्वालशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, चौदशमम करी करीता सब काम गुनियम पारिपारिता, सोलशमम करी करीता सब काम गुनियम पारि, पंचमी लया। एकाए कालो छम मासा वीसीय दिवसा, चहुनम कालो दो वरीसा दो मासा वीसीय दिवसा, शेषम तहेव जहा काली जाव सिद्धा। एवं पीयूषेन कन्हावी नवरम मुत्तावली तवो कम उपजित्तानम विहरई तंजहा। चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, छठम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, अठमम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, दशमम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, द्वालशमम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौदशमम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, सोलशमम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, अठारशमम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, बीसमम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, बाईसमम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौबीसमम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, छब्बीसमम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता, चौथम करी करीता सब काम गुने पारिपारिता,
अठावीस इमम करी करिता सबकाम गण पारिपारिता चौथम करी करिता सबकाम गण पारिपारिता तीस इमम करी करिता सबकाम गण पारिपारिता चौथम करी करिता सबकाम गण पारिपारिता बत्तीस इमम करी करिता सबकाम गण पारिपारिता चौथम करी करिता सबकाम गण पारिपारिता चौतीस इमम करी करिता सबकाम गण पारिपारिता चौथम करी करिता सबकाम गण पारिपारिता बत्तीस इमम करी करिता सबकाम गण पारिपारिता एवं ओसा रई जाव चौथम करई करिता सबकाम गुणियम पारी एकाय कालो एकारस मासा पनरस ये दिवसा चहुनम तिन्नी वरीसा दस ये मासा शेषम तहेव जाव सिद्धा। एवं महासेन कन्हावी नवरम आयंबिल वड्ढमानम तवोकम्मम उवसंपजित्तानम विहिरै तंजहा। आयंबिलम करी करिता चौथम करी करिता बे आयंबिलम करी करिता चौथम करी करिता तिन्नी आयंबिलाई करी करिता चौथम करी करिता चत्तारी आयंबिलाई करी करिता चौथम करी करिता पंच आयंबिलाई करी करिता चौथम करी करिता छे आयंबिलाई करी करिता सब करी करिता चौथम करी करिता एको त्रियाय वुढ़िये आयंबिलाई वड्ढंती चौथम त्रियाई जाओ आयंबिल स्वयं करई करिता चौथम करई तैनम सा महासेन कन्हा अज्जा आयंबिल वड्ढमानम तवो कम्मम चौदस्यम वासे ही तीही ये मासे ही विषे ही ये अहोरत्ते ही आहा सुत्तम जाव सम्मम कायनम फासे ही जाव आराहिता जेनेव अज्य चंदना तेनेव उवा गच्छे उवा गच्छिता अज्य चंदनम अज्यम वंदे नमंसे वंदिता नमंसिता बहुही चौथे ही जाओ भाव माने विहिरई तैनम सा महासेन कन्हा अज्जा तेनम ओरा लेनम जाओ उव शोभे मानी उव शोभे मानी चिट्ठै तैनम तिसे महासेन कन्हाए अज्जाए अन्नया कयाए पूर्व रत्ता वरत काले चिंता जहा खंदियस्य जाओ अज्य चंदनम अज्यम आपुच्छै जाओ संलेहना कालम अणवकंख मानी विहिरै तैनम सा महासेन कन्हा अज्जा अज्य चंदनाय अज्याय अंतिय समाय माई याई एकारस अंगाई अहि जित्ता बहु पड़ी पुन्नाई सत्म सत्तरस वासाई पर्यायम पाल इत्ता मासियाय संलेहनाय अपानम झुसिता सठिम भत्ताई अनसनाय छेदिता जसठाए कीरई जाओ तमठम आराहै चरिम उस्सास निस्सासेहिं सिद्धा। एवं खलु जम्बु समणेनम भगवया महावीरेनम आयिगरेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगढ़ दशानम अयमठे पनते तीबेमे। अंतगढ़ दशानम अंगस एगो सूय खंधो अठ वग्गा अठसु चेव दिवसेसु उद्दिश्य जन्ति तत् पढ़म बिति वग्गे दस दस अठ उद्देशगा तय्य वग्गे तेरस उद्देशगा चौथ पंचम वग्गे दस दस उद्देशगा छठ वग्गे सोलस उद्देशगा सप्तम वग्गे तेरस उद्देशगा अठम वग्गे दस उद्देशगा शेषम जहा नाय धम्म कहानम। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। कई उन चेहरों के प्रति जो मुझे आज के बाद दिखाई नहीं देंगे, अब उनके लिए तो ये अंतिम संदेश है, जो आ जाए उनकी मेहरबानी है। जो आठ दिन जिनवाणी का अमृत पीने के बाद भी हमारी याद ना आए वो उनकी मर्जी है, अगर आई याद हमारी तो तुम सबकी बहुत मेहरबानी है, मेहरबानी रहेगी, क्योंकि चतुर्मास अभी पूरा नहीं हुआ है।
पर्युषण पूरे हुए हैं। आज संवत्सरी महापर्व है। अभी तो केवल चतुर्मास का 50वां दिन है, अभी 70 दिन बाकी है। हमें इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ना, ये नहीं सोचना कि हुआ संवत्सरी का पारणा, छोड़ा साधुओं का बारना। ये पारना बारना छोड़ने के चक्कर में मत पड़ना, पारने के साथ एक बात धारणा रखना, एक बात को धारण करना कि महाराज भी क्या याद रखेंगे, हम चारों ही महीने इसी तरह आनंद समोसरण की शोभा बढ़ाएंगे। आपको मैं एक बात बतला देता हूं, आनंद समोसरण की शोभा हमसे नहीं, आप सभी से है, आपकी उपस्थिति से है। ऐसे कोई बैठा हुआ कोई देखे, वो यहां से जाने के बाद क्या सोचेगा और क्या बोलेगा, भाई मजा आ गया, भाई क्या रौनक है। और आपको एक बात और बतला देता हूं, आपकी इस उपस्थिति की शायद इतनी प्रशंसा ना भी होए, क्यों नहीं होए, क्योंकि भाई पर्युषण चल रहे हैं ना, ये तो रौनक होनी ही थी। ये कहकर के आपकी रौनक को टाल दिया जाएगा, लेकिन अगर संवत्सरी के बाद भी पर्युषण या शेष 42 दिन जैसी रौनक रहे तो लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि भाई कमाल है, हर जगह रौनक खत्म, बड़गांव शेरी में रौनक सलामत है। ये सूचना जब साधु साध्वियों के कानों में पड़ेगी तो मालूम है आपको साधु साध्वी क्या सोचेंगे, हे प्रभु बड़गांव शेरी में मारो चतुर्मास करवा दे। ये कमाई है आप लोगों की, ये भावना की कमाई है आप लोगों की। अगर संत सोचने के लिए, जैसे तुम लोग मिन्नते मानते हो ना कि मेरे ये हो जाए ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा हो सकता है साधु भी मिन्नते मांगते हो कि हमारा उस जगह चतुर्मास हो जाए। ये सब आपकी सेवा भावना, संतों को निस्वार्थ रूप से प्रेम देना, उनकी सभा की शोभा बढ़ाना, इसके बाद इसी के माध्यम से आप क्षेत्र की गरिमा को बहुत ऊंचा उठाते हो, और ये गरिमा आपको बढ़ानी है। अब क्या बोलूं, चलूं आगे। पहले एक गीत गा रहा हूं, गीत ये दिल से गा रहा हूं, मेहरबानी होगी आप सभी की अगर इस गीत को आप दिल से सुने। दिल से विचार करें और इस गीत को केवल कानों का विषय नहीं, प्राणों का विषय बनाएं, प्राणों तक ले जाएं। कुछ भी तुम्हारे बीच किसी और के बीच कोई दरार है या दीवार है, दीवार को हटाना है, दरार को मिटाना है, दीवार को हटाना है, दरार को मिटाना है, यही संवत्सरी का कहना है, यही संवत्सरी महापर्व का संदेश है। मैं आपको दिल की गहराई से एक बात कहता हूं कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ी तपस्याओं को कराने पर नहीं रहा, आज तक नहीं रहा, मेरा लक्ष्य तो केवल दिल से दिल मिलाने का रहा है।
कि किसी भी सास को बिछड़ी हुई बहू मिल जाए, किसी भी भाई को अपना रूठा हुआ भाई मिल जाए। जिन रिश्तों के बीच कड़वाहट आ गई है उन रिश्तों में मिठास आ जाए। अगर हमने ये कर लिया है तो सचमुच आपने बहुत बड़ी साधना की है, आपने सचमुच धर्म की आराधना की है। दिल मिलना चाहिए, एक दूसरे की हमें जरूरत महसूस होनी चाहिए। हमें आज के दिन एक दूसरे का अभाव खटकना चाहिए, एक दूसरे की हमें याद आनी चाहिए। आज के दिन अपनी ईगो मिटानी चाहिए। जो भी संकोच या ईगो का पर्दा है उसे हटाना चाहिए। अगर तुमने ये किया है और तपस्या नहीं की तो सचमुच आप लोगों ने संवत्सरी महापर्व मनाया है, ये असली। क्योंकि तपस्या करनी आसान है लेकिन अंदर की गांठ खोलना बहुत मुश्किल है, ये मैंने देखा है। बड़े बड़े तपस्वियों के अंदर भी गांठ पड़ी रहती है, गांठ नहीं हटती। वो ये सोचते हैं कि इस गांठ को मैं बड़ी बड़ी तपस्या से मिटा डालूंगा। नहीं, तपस्या से गांठ नहीं मिटा करती, प्रेम से गांठ मिटा करती है। यही भाव आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस गीत के माध्यम से। संवत्सरी महापर्व का संदेश देने वाला यह गीत, और सुनो भावों के साथ। सुनोगे ना हाँ, सोचोगे ना हाँ, फिर प्रतिक्रमण के बाद वो करोगे ना हाँ। वेरी गुड, इतने आज्ञाकारी, मजा आ गया। औरों की बात छोड़ो, औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। हर रोज धो रहे हो इस तन की मैल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो इस मन पे मैल क्यों तुम। हर रोज धो रहे हो इस तन की मैल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो इस मन पे मैल क्यों तुम। मन को मलिन करके, मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, जो आज होने जा रहा है, जो आज होएगा, आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या है, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है। आपस में दोस्तों से मांगी
क्षमा तो क्या है अपने विरोधियों को, क्या तुमने मना लिया है? याद रखना, नाराज है पड़ोसी क्यों, नाराज है पड़ोसी क्यों, कोई गांठ है तो खोलो, लेकर क्षमा का साबुन इसी आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा की साबुन इसी आत्मा को धो लो। और क्या करना है आपको मालूम है? आज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या बहू ने अपना दिल साफ कर लिया है? आज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या बहू ने अपना दिल साफ कर लिया है? याद रखना, बिखरे पड़े हैं मोती, बिखरे पड़े हैं मोती, माला जरा पिरो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। और याद रखना एक बात, फिर क्या बनेगा धन का, जिस धन के चक्कर में, जिस पद के चक्कर में आपने रिश्ते खराब किए हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपने रिश्ते खराब किए हैं, याद रखना, उनके लिए एक सबक सिखा रहा हूं। फिर क्या बनेगा धन का जो धाक ना रही तो, नथनी का क्या करोगे जो नाक ना रही तो, फिर क्या बनेगा धन का जो धाक ना रही तो, नथनी का क्या करोगे जो नाक ना रही तो। बेटी वालों के धन से, बेटी वालों के धन से ना अपना पेट पालो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, इस आत्मा को धो लो, इस आत्मा को धो लो। मेरा दर्द अगर आपके दिल को छुआ हो, इस दर्द के एहसास से आपका फर्ज जगा हो, कर्तव्य अगर जागृत हुआ हो, इस संवत्सरी महापर्व को मैं असल में मनाऊंगा, अभी तक नकली मनाया है, दिखावे के लिए मनाया है, मान सम्मान बढ़ाने के लिए मनाया है, अपनी तपस्या की छाप छोड़ने के लिए मनाया है, लोगों को दिखाने के लिए मनाया है, आज ऐसी संवत्सरी नहीं, आज मैं संवत्सरी पहले अपने को समझाने के लिए मनाऊंगा, और फिर प्रतिक्रमण के बाद अपनों को मनाने के लिए मनाऊंगा। समझ गया? समझ गए? संवत्सरी उनकी होती है जो खुद को समझाता है, संवत्सरी उनकी होती है
जिनको अपनों की याद आती है, जो रूठे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जिनको हमने झिड़कियां देकर हटाया है, स्वार्थ की वजह से भगाया है, हमने भी अपने निस्वार्थ में आकर के रिश्तों को तोड़ा है, जिन जिनको अपनों की याद आ रही है, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं, प्लीज, हमने ढोंग करते करते पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन कम से कम आज ढंग से संवत्सरी मनाएंगे। जिनके दिल में प्रेम पैदा होता है वो ढंग से संवत्सरी मनाते हैं, और जो केवल ऊपर से दिखावा करते हैं वो ढोंग से संवत्सरी मनाते हैं। एक होता है ढंग, एक होता है ढोंग। ढोंग यानी बोलो ना, ये कठोर शब्द तो जरूर है, क्योंकि किसी को ढोंगी कहना बहुत गंदा लगता है, ढोंग शब्द सुनना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कहते कि हम का कह रहे हैं कि आप ढोंगी बनो, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि धर्म की आराधना हमें ढंग से करनी है। ढंग से यानी दिल से, ढोंग से यानी ऊपर से। ऊपर से जो करता है, शरीर से जो करता है वो ढोंग करता है, जो दिल से करता है, जो मन से करता है वो ढंग से करता है, क्योंकि दिल ढंग का बना देता है। अभिमान हमें ढोंग करना सिखाता है, महत्वाकांक्षा हमें ढोंग करना सिखाती है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरा जोर इसलिए तपस्या पर नहीं रखता हूं, मैं ना किसी को ज्यादा जोर देता हूं, ना तपस्या की बहुत ज्यादा प्रेरणा देता हूं, मैं तपस्वियों का सम्मान करता हूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है। इस शासन की प्रभावना में जिसने अपने आप के शरीर को झोंक दिया है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे भी ज्यादा सम्मान मैं उनका करता हूं जिन्होंने अपने अंदर पड़ी हुई गांठों को खोल दिया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनका सम्मान नहीं, मैं उनका प्रणाम करता हूं, मैं उनको भव्य आत्मा मानता हूं जिन्होंने अपनी गांठ को खोला है। वो मेरे लिए भव्य आत्मा है, वो मेरे लिए किसी संत महात्मा से कम नहीं, वो चाहे आप श्रावक और श्राविका भी क्यों ना हो, वो मेरे लिए आदरणीय है, वो मेरे लिए पूजनीय है, जिन्होंने अपने मन की गांठ को खोला है, जिन्होंने अपने रूठे हुए को गले से लगाया है, जिन्होंने आगे बढ़कर के हाथ थामा है। बेशक से हाथ थामने वाले ने तुम्हारा हाथ झड़क दिया हो, छिड़क दिया हो, लेकिन उसके बाद भी उसको मनाने का प्रयास किया है, मैं उनके त्याग को सबसे ज्यादा प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। अगर ये तुम कर पाओ तो सच कहता हूं आपकी जिंदगी में संवत्सरी महापर्व सोने से भी बढ़कर है। बोलते हो ना, आज का दिन कैसा हो, नारे तो बहुत लगा तो जो साधु आवे, आज का दिन कैसा है सोने से भी महंगा है। मैं ये कहता हूं कि संवत्सरी महापर्व आपके लिए वरदान बन सकती है अगर अपनों की याद आ जाए, क्योंकि जो रूठे हैं वो कभी आपके अपने थे, जो आपसे रूठे हुए हैं या जिनसे आप रूठे हुए हो, बात एक ही है, जो आपसे रूठे हुए हैं वो भी आपके अपने थे, जिनसे आप रूठे हुए आप भी उनके कभी अपने थे, बात कौन सी है। क्योंकि कभी कभी ये भगवान महावीर ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है, मैं समझाने का प्रयास कर पाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। हर परंपरा में, चाहे वो हिंदू परंपरा है, चाहे मुस्लिम परंपरा है, चाहे ईसाइयों की परंपरा है, चाहे सिखों की परंपरा है, चाहे बौद्धों की परंपरा है, और चाहे जैन परंपरा है, हर परंपरा के अंदर एक ऐसा त्योहार जरूर होता है जो मिलने और मिलाने का त्योहार होता है। हिंदुओं की परंपरा में एक त्योहार है, कौन सा, नहीं होली, होली, होली मिलन, हाँ, होली मिलन, वहां गले लगते हैं, लगता है उन्होंने होली नहीं मनाई इसलिए दशहरा याद आ गया, रक्षाबंधन याद आ गया। एक त्योहार है होली मिलन, गले मिलते हैं,
मुसलमानों का एक त्योहार है ईद मिलन, हाँ। उसका नाम ही है ईद, और ईद का नाम मिलन से जोड़ा है, ईद मिलन, जिसको मीठी ईद कहते हैं, मीठी, जहां सेवई खाते हैं, वहां पर सेवई का बड़ा महत्व है, और उनके यहां ये ईद सबसे बड़ी ईद मानी जाती है। दूसरी ईद को बड़ा नहीं माना, जितना बड़ा मीठी ईद को माना गया है, मिठास से भरी हुई ईद को माना है, उनके ये सबसे बड़ी ईद है। बकरा ईद इतनी बड़ी ईद नहीं है, लेकिन मीठी ईद सबसे बड़ी ईद मानी जाती है, महत्वपूर्ण ईद है वो, उसको ईद मिलन कहते हैं, ईद मिलन। ऐसे ही ईसाइयों के अंदर अप्रैल डे होता है, वहां पर वो गले मिलते हैं, गिरजा घरों में जाकर के गले लगते हैं, बिछड़े हुए को मिलते हैं, पकड़ते हैं, और कोई छिटक करके जाने लगता है तो जबरदस्ती पकड़ते हैं, कहते हैं कि ना जाना हमें छोड़कर, अभी दिल भरो नहीं। हमारे राजस्थान की परंपरा में भी एक त्योहार आता है कि वहां एक ड्रामा चलता है, और ड्रामे में चलते चलते भी बात असलियत में बदल जाती है। वहां क्या होता है कि सास रूठ करके किसी पड़ोसी के यहां चली जाती है, सब है ड्रामा, वो रूठी हुई नहीं है, एक नाटक चल रहा है। सास रूठ करके पड़ोसी के यहां चली जाती है, और घर की बहुएं सज धज के अपनी सास को मनाने के लिए जाती है, आओ ना मां प्लीज, और वहां सब ड्रामा चल रहा है, ऊपर से चल रहा है वो मामला, क्योंकि कोई बहु सास रूठी हुई नहीं है, और ना कोई बहुत दिल से मना रही है, क्योंकि एक विधा अपनानी है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इस विधा को मनाते मनाते क्या पता असली में मनाना आ जाए। ये कम से कम चीज तो रखी हुई है, ये परंपरा संभाल के तो रखी है कि बहू ने अपनी रूठी हुई सास को मनाना है, पड़ोसी के घर से उठाकर अपने घर में लाना, चलो ना माँ, तेरे बिना घर सूना लगता है, तेरे बिना घर सूना लगता है, तेरे बिना जीना बेगाना लगता है। जब ये शब्द कानों में पड़ते हैं सास के, तो दिल में गुदगुदी होती है, हाय बहु हो तो, अरे अपनों से कौन बिछड़ना चाहता है रे भाई, अपनों से कौन टूटना चाहता है। लेकिन अंदर का अहंकार और अंदर का स्वार्थ हमें दूसरों से तोड़ देता है। लेकिन जैन परंपरा का यह त्योहार बड़ा गजब का त्योहार है। हर त्योहार में कोई ना कोई प्रदूषण है, कई ध्वनि प्रदूषण है, कई पटाखे छोड़े जाते हैं, कई रंग बरसाए जाते हैं, कई फुलझड़ियां छुड़ाई जाती हैं, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, लेकिन हमारा ये पर्व इतना पवित्र पर्व है, इस पर्व में कोई प्रदूषण, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये वो पर्व है कि अंदर मन का अंदर जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण को दूर करना है प्रेम के जल से, मैत्री के जल से, भावों की सुंदरता से, हमने इस मैल को दूर करना है। इतना पवित्र त्योहार है ये, हमने भोजन भी छोड़ा, पानी भी छोड़ा, इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करी, आप खाना छोड़ सकते हो है? लेकिन आप अंदर जो पड़ी हुई गांठ है उसे नहीं खोल सकते क्या? इन पर्वों के अलावा किसी को कहे जी आप अठाई कर लो तो आपको जोर लगता है, लेकिन इन दिनों में अठाई भी बड़ी खुशी के साथ कर जाते हो, लेकिन आप एक काम और क्यों नहीं करते कि जब मैं खाना छोड़ सकता हूं, छोड़ सकती हूं, आत्मा के कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, पर्युषण पर्वों की आराधना करने के लिए, संवत्सरी महापर्व मनाने के लिए मैं इतने काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मैं क्यों नहीं अपने अंदर का जहर निकाल कर दूसरे को मैं गले लगा लूं, ये क्यों नहीं कर सकता? जब और काम हो सकते तो ये क्यों नहीं हो सकता है? और आप मान करके चले, आप प्रेम के अलावा कुछ भी करना, मैत्री भाव के अलावा कुछ भी करना, क्षमा पना अगर आपने नहीं करी है, माफ अगर नहीं किया है, दिल साफ नहीं किया है, तो हमारे पर्व अधूरे होंगे या पूरे? अधूरे। ये अधूरापन में आपके जीवन में नहीं देखा, मैं डर रहा हूं, क्योंकि मुझे भविष्य नजर आ रहा है जैन धर्म का,
कि किस तरह ये प्रतिदिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। ये हमारे बच्चों में अब अपने धर्म के प्रति रुचि नहीं रही, संतों के प्रति अनुरक्ति और भक्ति नहीं रही, संत अब अच्छे नहीं लगते आपके बच्चों को। मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, मैं और की बातें भी बोल रहा हूं। यहां के बच्चों को तो हम अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन अच्छे लगने के लिए हमने उनके लिए कुछ ना कुछ किया है तब जाके अच्छे लगे हैं भैया। कुछ ना कुछ दिया है, समाज ने सहयोग किया है, बच्चों की ख्वाहिश का ध्यान रखा है, और ये बहुत बड़ा काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूं, बस केवल बच्चों को यहां आने दो, खेलने दो, खिलखिलाने दो, कुछ भी आपस में थोड़ी देर ढुसम ढुसम करे तो करने दो, फिर मिल जाएंगे। क्योंकि उनकी ढुसम ढुसम हमारी ढुसम ढुसम से बहुत खतरनाक, कोई ज्यादा खतरनाक, हमारी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप एक बार ढुसम ढुसम भी नहीं होती फिर भी तुम्हारे मुंह चढ़ जाते हैं, और वहां मार पिटाई होने के बाद फिर थोड़ी देर में जीने से एक साथ गले में हाथ डाल करके नीचे उतरते हैं। वो क्या कमाल की बात है। बच्चों से कुछ सबक ले लीजिए, बच्चों से कुछ समझ ले लीजिए। जब बच्चे इतना दरिया दिल हो सकते हैं, आप इतने समझदार होकर के भी क्यों नहीं समझदार होते हो? आपके अंदर क्यों गांठ पड़ती चली जाती है, क्यों गांठ पड़ती चली जाती है? इन गांठों को हटाने के लिए क्या दूसरा ही प्रयास करे? आप खुद प्रयास नहीं कर सकते? आप ये तो कहते कि हाँ दूसरा माफी मांगेगा तो सोचूंगा, दूसरा कहेगा तो सोचूंगा। अभी भी पक्की बात नहीं है। हम दूसरों के लिए सोचते, दूसरा झुके तो मैं झुक जाऊंगा, लेकिन जब तक वो झुकेगा नहीं क्या मजाल मैं झुक जाऊं। देखिए, किसी को झुकाने के भाव रखना यह भी एक पाप है, और खुद झुक जाना यह भी एक धर्म है, यह भी एक साधना है, यह भी एक तपस्या है, और यह तपस्या करना ही चाहिए आप लोगों को। कम से कम इस पवित्र ये पवित्रता देने के लिए संवत्सरी महापर्व आता है। सिख परंपरा में गुरु पर्व सबसे बड़ा आता है, गुरु नानक देव की जन्म जयंती, जिस दिन हमारा चतुर्मास का विहार होता है या अंतिम दिन होता है उसको गुरु पर्व कहते हैं, और कहीं ना कहीं गंगा स्नान भी कहते हैं। गंगा स्नान बहुत प्यारा पर्व है, ये हिंदुओं का पर्व है, जिसको कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, गंगा स्नान कहते हैं। और स्नान क्यों किया जाता बताओ? जब तुमको खूब पसीना आ रहा हो, घबराहट हो रही हो, गर्मी लग रही हो, तो तुम क्या करते हो? फटाफट तो ये भी, ये संवत्सरी महापर्व भी शरीर का स्नान तो नहीं है लेकिन मन का स्नान है। ये मन का स्नान है। आप शरीर को सजा धजा करके आए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, वाह क्या बात है, मजा आ गया। बस ये सजावट अब शरीर के अलावा अंदर भी जाने दो, अंदर भी जाने दो। चेहरा बड़ा सजा हुआ है, वस्त्र भी बड़े सजीले हैं, गहने गुने सब अच्छे ढंग से पहन रखे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हो। आप लोगों ने भी मुखवस्त्री का और समाई के परिधान में आप साधना कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन इस समाई को केवल शरीर तक मत रहने देना, अंदर तक जाने दो। ये जो धवलता है, ये जो शुभ्रता है, ये जो सफेदी है, जो जो आंखों को बड़ी सुहा रही है, शांति का प्रतीक है। समाज की वेशभूषा सफेद रंग की हमारी ये पोशाक रखी है, साधु का बाना रखा है, क्योंकि ये किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और मैंने तो समाज के अंदर कईयों को आग बबूला होते हुए भी देखा है, कईयों की आंख गर्म हो जाती है समाज में। मैं ये कभी कहता हूं कि भैया फटाफट कपड़े देख, जब आंख लाल देखता हूं तो मैं कहता हूं कपड़े देख अपने। वो कहने लगी मतलब क्या है आपका? नुके मिलान कर लाल आंख सफेद कपड़ा, क्या मेल? ये तो कोई मेल नहीं हुआ। आंखों में भी थोड़ी सी नरमाई लाओ, क्योंकि देखना जब क्रोध होते हो तो आंखें लाल, और जब प्रेम में होते हो तो आंखें मुस्कुराती है। आंखें क्या बताऊं, जब हम किसी को प्यार में देखते हैं ना, आंखों का मजा आ जाता है। आंखों के भी एक चमक है, आंखों ही बयां कर देती है प्रेम में। ये आंखें कितनी प्यारी लगती है, देखो आप कभी भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब क्रोध आए ना आपको बहुत जोर से, तुरंत
शीशे के सामने जाया करो तुरंत, उस समय देखा करो आंखें कितनी लाल हैं, चेहरे पर कितनी चोरियां पड़ रही हैं और दांत पीसते हो। अरे ऐसी अवस्था में कहीं ब्रेन हेमरेज हो गया तो मुश्किल है, मैं सच कह रहा हूं, क्रोध में किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लेकिन प्रेम में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता, प्रेम में कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। ये प्रेम की ताकत है, ये मैत्री की ताकत है, ये संभाव की ताकत है, ये स्वभाव की ताकत है। क्यों नहीं इतनी अखूट संपदा हमारे भगवान ने जिनवानी में दी है, क्यों नहीं हम इसका इस्तेमाल करते हैं? इसी प्रकार बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर भिक्षु और भिक्षुणी, हर उसका श्रावक और श्राविका एक दूसरे के गले लगते हैं, अपनी की हुई भूलों के लिए माफी मांगते हैं बुद्ध पूर्णिमा में, बौद्ध धर्म के अंदर भी, क्योंकि धर्म तो बिना प्रेम के टिक ही नहीं सकता, बिना प्रेम के धर्म टिक ही नहीं सकता है। मैंने एक दिन बोला था ना आपको, पुण्य हमें शक्तिशाली बनाता है लेकिन प्रेम हमें सहनशील बनाता है, वो शक्तिशाली बनाता है और प्रेम हमें सहनशील, सहनशील का मतलब क्या है कि कोई हमारा बुरा करे तो भी वो हमें अच्छा लगे, इसको कहते हैं सहनशीलता। ये सहनशील बनाता है प्रेम हमें, और ये प्रेम जितनी मात्रा में बढ़ेगा आप सहनशील भी बनोगे, आप प्रेम पूर्ण भी बनोगे, आप सच्चे धर्मात्मा बनोगे। और सच कहता हूं, जब आप प्रेम से भरे हुए रहते हो ना, आप चलते फिरते तीर्थ होते हो, आप चलते फिरते मंदिर होते हो, आप चलते फिरते अरिहंत प्रतिष्ठान होते हो, आप चलते फिरते संत होते हो, आप चलते फिरते महावीर होते हो, आप चलते फिरते भगवान होते हो। कब? जब आपके अंदर प्रेम होता है। और जब आपके अंदर क्रोध होता है तो आप चलते फिरते शैतान होते हो, आप चलते फिरते हैवान होते हो, आप चलते फिरते राक्षस होते हो, आप चलते फिरते असुर होते हो, क्योंकि क्रोध हमें शैतान बनाता है और प्रेम हमें, वेरी गुड, जिसने बोला है, किसने बोला, बहुत प्यारा बोला, प्रेम हमें भगवान बनाता है। तो भगवान बनो ना, भगवान बनना है आप सभी को, भगवती बनना है। ये बेशक से हमने आज आपको लाल रंग की साड़ी पहनाई है, लेकिन इसमें क्रांति है। क्रांति का मतलब ये मत समझना कहीं लड़ना है, झगड़ना है, ये क्रांति का मतलब मैंने बोला था, क्रांति किसको कहते हैं, रिवॉल्यूशन, मैंने पढ़ा है ना, R for religion, रिलीजन फॉर रिजल्ट, रिलीजन फॉर रिवॉल्यूशन, रिलीजन फॉर रिलैक्सेशन, ये रिलीजन के पर्यायवाची हैं। जो पॉजिटिव चेंज आता है हमारे अंदर, जो पॉजिटिव थिंकिंग आती है हमारे अंदर, ये जो पॉजिटिव चेंज है, ये रिवॉल्यूशन है, ये क्रांति है। और आप अपनी लाल साड़ी की यही क्रांति, आपके अंदर लगे कि अभी खून दौड़ रहा है, खून ही नहीं प्रेम दौड़ रहा है, आप इस प्रेम के प्रतीक को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार जैन परंपरा के अंदर कौन सा पर्व, संवत्सरी महापर्व, बहुत गजब का पर्व है। ओहो, मैं सच कहता हूं, अगर हमारी जैन परंपरा के मानने वाले श्रावक और श्राविकाओं ने संवत्सरी महापर्व को, या मेरे दिगंबर भाई बहनों ने 10 लाक्षणिक महापर्वों को अगर ईमानदारी से मनाया होता तो हमारा समाज जिस तरह बिखर गया है, ये समाज कभी बिखरा हुआ नहीं होता। अगर मनाया होता संवत्सरी महापर्व या 10 लाक्षणिक महापर्व अगर हमने मनाया होता दिल से, तो सच बताओ आपको, आज सरकार भी हमारी चिंता करती, सरकार भी हमारी चिंता करती, क्योंकि जैन अपने आप में एक है। क्योंकि हमारी वो चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि हम एक नहीं, हम एक नहीं है। अगर एक नहीं है तो कुछ भी करो हम नेक नहीं है, अगर एक नहीं है तो
नेक भी नहीं है। नेक यानी समझ गए होंगे, नेक बोलते ना एक नारा आता, एक बनो और नेक बनो, नेक यानी अच्छे बनो। अगर एक नहीं है तो डेफिनेटली हम नेक भी नहीं है, हम अच्छे नहीं है। आप चाहे कितना भी इतराओ अपनी धर्म साधना के ऊपर, चाहे अपनी अपनी तपस्याओं पर कितना भी इतराओ, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर एक नहीं है तो हम नेक नहीं है, हम अच्छे नहीं है। क्योंकि पर्व हमें अच्छा बनाता है, नेक बनाता है, झुकना सिखाता है, मनाना सिखाता है, सहलाना सिखाता है, संवारना सिखाता है, संभालना सिखाता है। ये धर्म हमें सिखाता है। धर्म हमें धक्का देना नहीं सिखाता, धर्म हमने किसी की निंदा चुगली करना नहीं सिखाता, किसी की टांग खींचना नहीं सिखाता। अरे संवत्सरी के दिन में भी हमारी समाजों के अंदर एक दूसरे की टांग खींची जाती है, इसने ये नहीं बोला, इसने वो नहीं बोला, इसने ये बोल दिया, ये वो है, ये वो है। अरे संवत्सरी के दिन भी आप कलह कर जाते हो, संवत्सरी के दिन भी आप इतने भाव बिगाड़ जाते हो। आज के दिन में भी कभी कभी मुझे दुख होता है और कभी कभी मैं कठोर बोल जाता हूं, क्योंकि आज मेरा भी दिन है माफी मांगने का। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मैं कठोर जरूर बोलता हूं लेकिन कठोर नहीं हूं मैं। अगर किसी ने मेरे दिल में झांक करके देखा हो, मैं किसी समाज को तोड़ना नहीं चाहता, मैं किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार करना नहीं सिखाता और चाहता भी नहीं हूं। लेकिन कभी कभी मुझे दर्द होता है अपनी शानदार विरासत को देखने के बाद, अपने भाई बहनों को भटकते हुए जब देखता हूं तो दर्द होता है मेरे दिल के अंदर कि इतनी सुंदर विरासत मिलने के बावजूद भी हमारे भाई बहन आपस में लड़ क्यों रहे हैं, संभल क्यों नहीं रहे। और इतने त्योहार मनाने के बाद, प्रेम मैत्री भाव का त्योहार मनाने के बाद भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे। तो उस दर्द में मैं बोलता हूं, आपको मेरे शब्द बुरे लगते होंगे लेकिन किसी ने मेरे दर्द को महसूस किया होगा तो उसके दिल में जरूर एक बात आई होगी कि आज हम ये साबित कर देंगे कि हमारे पास भी दिल है। और दिल तभी पता चलता है जब दिल से दिल मिला करते हैं, दिल पता तभी चलता है जब दिल से दिल मिला करते हैं, चेहरों से चेहरे मिला करते हैं, आंखों से आंखें मिला करते हैं। जिनके बीच में कई साल कई महीने हो गए हैं बोले हुए, उनके बीच में वार्तालाप प्रारंभ होता है तब पता चलता है कि इन्होंने संवत्सरी महापर्व मनाया है, तब पता चलता है कि हमारी जिन शासन सुरक्षा सुरक्षित रहने वाला है, जिन शासन की सुरक्षा होने वाली है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं इन पर्वों का महत्व समझिए। ये पर्व केवल उपवास करने के लिए ही नहीं रह गए, ये पर्व केवल पोषण करने के लिए ही नहीं रह गए, ये पर्व केवल आलोचना पढ़ने के लिए ही नहीं रह गए, ये पर्व केवल प्रतिक्रमण करने के लिए नहीं रह गए। आप सोचना ये पर्व किसके लिए है, दिल से दिल मिलाने के लिए। क्योंकि संवत्सरी के दिन चार काम होते हैं, चार काम याद है आपको कौन कौन से। संवत्सरी के दिन चार काम होते हैं। पहला काम एल्ले भाई, पहला काम उपवास। मैं बता रहा हूं, उपवास करके बैठे हो तब भी नहीं बोल रहे। सबसे पहला काम उपवास, दूसरा काम आलोयना, वेरी गुड, दूसरा काम आलोयना, तीसरा काम प्रतिकर्मण, चौथा काम क्षमापना। देखो कहां पूर्णता मिली है जाकर के, कहां पर गांठ खुली है जाकर के कि आपने उपवास भी कर लिया, आलोयना भी पढ़ ली और सुन ली, प्रतिकर्मण भी कर लिया, लेकिन रूठे हुए को अगर नहीं दिल से लगाया, बहू और सास के प्रति, ननंद और देवरानी जेठानी के प्रति, ननंद और भाभी के प्रति अगर अभी भी दिल में मलाल बाकी है, फिर संवत्सरी कौन नहीं, संवत्सरी कौन नहीं। मैं वैदिक ग्रंथों में एक
सुक्ति पढ़ रहा था, वहां क्या लिखा हुआ मैं आपको सुना रहा हूं पढ़ करके। असंवत्सरम, असंवत्सरम प्रायश्चित करने पाप द्वैगुण्यम, असंवत्सरम प्रायश्चित करने पाप द्वैगुण्यम, यानी अगर साल में एक बार भी अगर हम अपने पापों की भूलों की माफी नहीं मांगते, प्रायश्चित नहीं करते, तो अगले साल वे पाप दुगने हो जाते हैं, वे पाप दुगने हो जाते हैं, दुगने तिगने चौगुने हो जाते हैं वो पाप। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था रखी हर रोज प्रतिक्रमण की, फिर एक व्यवस्था रखी गांठ ना खुले तो पक्षी का प्रतिक्रमण कर लो भाई, पक्षी को माफी मांग लो, एक पक्षी नहीं तो दूसरी पक्षी में मांग लो, फिर भी एक और छूट रख दी कि चलो तुम पक्षी में नहीं मानते तो चौमासी प्रतिक्रमण में माफी मांगो, हिसाब करो। और दो दो चौमासी पक्षियां गुजरने के बाद भी, तीन तीन चौमासी पक्षियां गुजरने के बाद भी, चौमासी पक्षी गुजरने के बाद भी अगर समस्त शरीर के अंदर भी आप अपना दिल साफ नहीं करते हो, तो एक बात कहता हूं, कम से कम आगे से भगवान महावीर स्वामी का जयकारा मत लगाना, क्योंकि फिर हमें कोई हक महावीर स्वामी का जयकारा लगाने का है ही नहीं। महावीर का जयकारा, गौतम स्वामी का जयकारा, सुधर्मा स्वामी का जयकारा, आगमों को पढ़ने का अधिकार, शास्त्र स्वाध्याय करने का अधिकार केवल उनको मिला करता है जो लोग उपवास आयलोना प्रतिक्रमण करने के बाद क्या करते हैं, क्षमापना, वो वाली नहीं जो हर साल करते हो क्षमापना, दोस्तों को मालूम है क्या कहते, और भाई क्या हाल है भाई, कुछ कहा सुनाओ माफ करियो, ऐसे बोल रहे हो, मजा ले रहे हो। और दोस्त के बराबर में वो बैठा है जिससे आपको बोले दो साल हो गए, एक महीना हो गया, वर्षों हो गए, उसकी तरफ तुमने देखा भी नहीं, आपने ये कहा कि जब उसने नहीं देखा तो मैं कोई फालतू में हूं जो उसकी तरफ देखूं। अरे कोई बात नहीं, उसने नहीं देखा तू तो देख ले। और देखो कितनी गजब की बात है, मैं प्रवचन सुना रहा हूं और तुम लोग आपस में ये कह रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे, मालूम है क्या सोच रहे हो, आज तो महाराज जी इसके ऊपर सुना रहे हैं, आज इसके ऊपर सुना रहे हैं, कोई है ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है ये मेरे ऊपर सुना रहे हैं, दूसरे के ऊपर बड़ा गजब का महाराज ने वो मजा बांध दिया, ऐसा सबक सिखाया महाराज ने, पूछो मत। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने सुनते सुनते प्रवचन ये तो समझ लिया कि महाराज ने उनके ऊपर सुनाया है, ये क्यों नहीं सोचा आपने कि महाराज ने मेरे ऊपर सुनाया है, मुझे समझाया है। और जब तक ये दृष्टिकोण रहेगा आपका कि महाराज दूसरे के लिए है, तब तक आप ना सत्संग का उपयोग कर सकते हो ना पर्वों का उपयोग कर सकते हो। ये पर्व आप अपने लिए मनाने आए हो, अपने लिए आए हो मनाने के लिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने से और अपनों से गौर करना, क्या बोल रहा हूं, अपने से और अपनों से मिलने के पर्व का नाम है संवत्सरी। अपने पहले, अपने से, फिर अपनों से, बस पहले अपनों से मिलो, पहले अपने से मिलो, अपने से, खुद से, पहले अपने से और फिर अपनों से। अपने से मिलना उपवास है, अपने से मिलना आयलोना है, अपने से मिलना प्रतिक्रमण है, और अपनों से मिलना क्षमापना है, क्षमा याचना है, अपनों से मिलना क्षमापना है। आप केवल तीन काम करते हो बस, अपने से मिलते रहते हो, और वो भी अपने से ढंग से नहीं मिलते, अपनी गलत बातों को भी सही ठहराते रहते हो आप,
आपने किसी को ताना मारा और दूसरे ने भी ताना मार दिया तो तुम्हें यह समझ में नहीं आती कि उसने ताना बाद में मारा, पहले ताना मैंने मारा, ये भी तो सोच सकते हो। और दूसरे ये भी तो सोच सकते हो, अगर किसी ने दूसरे ने पहले ताना मारा तो ये भी तो सोच सकते हो कि कोई बात नहीं, उसने अपना समझ के ही तो मुझे ताना मारा, कम से कम वो मुझे अपना तो मानता है तभी तो ताना मारा, कोई बात नहीं हम उसे माफ करेंगे, हम उसे प्यार करेंगे, आप ये भी तो सोच सकते हो। पर लेकिन ये सोचना कौन सिखाता है? ये सोचना क्षमापना सिखाता है, संवत्सरी महापर्व सिखाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जितने भी भाई बहन बैठे हैं यहां पर, नीचे जितने भी भाई बहन बैठे हैं, क्योंकि नीचे वालों को मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन समाज की व्यवस्था से नीचे वाले मुझे देख पा रहे हैं। देखो क्या गजब का जादू है ना, संघ कितना बड़ा होता है, वाह, मान गए संघ को। मैं अपने संघ के अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्या सुंदर व्यवस्था के ऊपर भी लोगों को चढ़ा रखा है, ऊपर भी है नीचे भी हैं, बीच में भी हैं, वाह भाई वाह। ऊपर देव लोक है, अरे नहीं वो नहीं, पर तुम फिर वहां चले गए, मैं वहां नहीं बोल रहा हूं। ऊपर देवलोक का मतलब ऊपर जात हुआ है, क्या सुंदर नजारा है, चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, देवलोक है ऊपर और नीचे मनुष्य लोक है। नीचे बोलना नहीं, नीचे बोलना नहीं, वो मुझे बोलना नहीं, पर लेकिन एक बात कहता हूं, तीनों लोग यहां विराजमान हैं, तीनों लोग यहां पर, क्योंकि परस्पर ग्रह जीवानाम, अगर आप उसको गहराई से देखो तो तीनों ही लोग उसमें समा गए हैं, तरस नाड़ी पूरी तरह उसमें समाहित है, तरस नाड़ी, वाह जी वाह, क्या नमूना है और क्या सुंदर प्रतीक चुना है, ये मैं वहां मत देखू, यहाँ बीच में टेक रखा है मैंने। कई लोगों को तो ये भी आपत्ति है कि महाराज जी ने यहाँ सिखों को भी लपेट लिया, मुसलमानों को भी चपेट लिया, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, ये मुझे लगाना पड़ा बीच में, पहले मैं चार ही लगाता था। एक ने कहा कि महाराज तुम्हें चार नजर आए, तुम्हें जैन धर्म नजर नहीं आया, तो मालूम है मैंने उसको क्या कहा, तुझे चार नजर आए, तुझे मैं नजर नहीं आया। अरे मैं जैन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं नजर नहीं आया, जीता जागता मैं तुम्हें समझ में नहीं आया। तब लोगों की सोचा कि रमणीक मुनि तू पछड़े में मत पड़, बीच में परस्पर गुरु जीवा नाम लगा, तब खोपड़ी में बैठेगी बात, तभी माफ करेंगे मुझे ये लोग, क्योंकि आपको प्रतीक तो नजर आते हैं, जिंदा व्यक्ति नजर नहीं आता है। आपको आगम नजर आते हैं, लेकिन आगम में छुपी हुई प्रेम और मोहब्बत की कहानी तुम्हें नजर नहीं आती है। तुम्हें पढ़ना जरूर है लेकिन समझना नहीं, संभलना नहीं। तो ये समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं मेरे भाइयों, मैं जितना तुम्हें समझा रहा हूं, भगवान करे मैं भी इतना ही समझदार बन जाऊं, मैं भी अपने आप को संभाले रखूं, क्योंकि आज कई और बातें भी हैं जो मुझे करनी है, क्योंकि संवत्सरी के दिन अब ये जितने भी चेहरे हैं दोबारा पता नहीं देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे आज ये सब कुछ बोलना भी है। कई उन चेहरों के प्रति जो मुझे आज के बाद दिखाई नहीं देंगे, अब उनके लिए तो ये अंतिम संदेश है, जो आ जाए उनकी मेहरबानी है, जो 8 दिन जिनवाणी का अमृत पीने के बाद भी हमारी याद ना आए वो उनकी मर्जी है, अगर आई याद हमारी तो तुम सबकी बहुत मेहरबानी है, मेहरबानी रहेगी, क्योंकि चतुर्मास अभी पूरा नहीं हुआ है,
पर्युषण पूरे हुए हैं। आज संवत्सरी महापर्व है। अभी तो केवल चतुर्मास का 50वां दिन है, हमें इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ना। ये नहीं सोचना कि हुआ संवत्सरी का पारणा, छोड़ा साधुओं का बारणा। ये पारणा बारणा छोड़ने के चक्कर में मत पड़ना। पारने के साथ एक बात धारणा रखना, एक बात को धारण करना कि महाराज भी क्या याद रखेंगे। हम चारों ही महीने इसी तरह आनंद समोसरण की शोभा बढ़ाएंगे। आपको मैं एक बात बतला देता हूं, आनंद समोसरण की शोभा हमसे नहीं, आप सभी से है, आपकी उपस्थिति से है। ये कमाई है आप लोगों की, ये भावना की कमाई है आप लोगों की। अगर संत सोचने के लिए, जैसे तुम लोग मिन्नतें मानते हो ना कि मेरे ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा हो सकता है साधु भी मिन्नतें मांगते हो कि हमारा उस जगह चतुर्मास हो जाए। ये सब आपकी सेवा भावना, संतों को निस्वार्थ रूप से प्रेम देना, उनकी सभा की शोभा बढ़ाना, इसके बाद इसी के माध्यम से आप क्षेत्र की गरिमा को बहुत ऊंचा उठाते हो, और ये गरिमा आपको बढ़ानी है। अब क्या बोलूं, चलूं आगे? पहले एक गीत गा रहा हूं, गीत ये दिल से गा रहा हूं। मेहरबानी होगी आप सभी की अगर इस गीत को आप दिल से सुने। दिल से विचार करें और इस गीत को केवल कानों का विषय नहीं, प्राणों का विषय बनाएं, प्राणों तक ले जाएं। कुछ भी तुम्हारे बीच किसी और के बीच कोई दरार है या दीवार है, दीवार को हटाना है, दरार को मिटाना है। दीवार को हटाना है, दरार को मिटाना है, यही संवत्सरी का कहना है, यही संवत्सरी महापर्व का संदेश है। मैं आपको दिल की गहराई से एक बात कहता हूं कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ी तपस्याओं को कराने पर नहीं रहा, आज तक नहीं रहा। मेरा लक्ष्य तो केवल दिल से दिल मिलाने का रहा है कि किसी भी सास को बिछड़ी हुई बहू मिल जाए, किसी भी भाई को अपना रूठा हुआ भाई मिल जाए, जिन रिश्तों के बीच कड़वाहट आ गई है उन रिश्तों में मिठास आ जाए। अगर हमने ये कर लिया है तो सचमुच आपने बहुत बड़ी साधना की है, आपने सचमुच धर्म की आराधना की है। दिल मिलना चाहिए, एक दूसरे की हमें जरूरत महसूस होनी चाहिए। हमें आज के दिन एक दूसरे का अभाव खटकना चाहिए, एक दूसरे की हमें याद आनी चाहिए, आज के दिन अपनी ईगो मिटानी चाहिए। जो भी संकोच या ईगो का पर्दा है उसे हटाना चाहिए। अगर तुमने ये किया है और तपस्या नहीं की तो सचमुच आप लोगों ने संवत्सरी महापर्व मनाया है।
ये असली, क्योंकि तपस्या करनी आसान है लेकिन अंदर की गांठ खोलना बहुत मुश्किल है। ये मैंने देखा है, बड़े बड़े तपस्वियों के अंदर भी गांठ पड़ी रहती है, गांठ नहीं हटती। वो ये सोचते हैं कि इस गांठ को मैं बड़ी बड़ी तपस्या से मिटा डालूंगा। नहीं, तपस्या से गांठ नहीं मिटा करती, प्रेम से गांठ मिटा करती है। यही भाव आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस गीत के माध्यम से। संवत्सरी महापर्व का संदेश देने वाला यह गीत, और सुनो भावों के साथ। सुनोगे ना हां, सोचोगे ना हां, फिर प्रतिक्रमण के बाद वो करोगे ना हां। वेरी गुड, इतने आज्ञाकारी, मजा आ गया। औरों की बात छोड़ो, औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। हर रोज धो रहे हो इस तन की मेल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो इस मन पे मेल क्यों तुम। हर रोज धो रहे हो इस तन की मेल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो इस मन पे मेल क्यों तुम। मन को मलिन करके, मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, जो आज होने जा रहा है, जो आज होएगा, आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या है, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है। आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या है, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है। याद रखना, नाराज है पड़ोसी क्यों, नाराज है पड़ोसी क्यों, कोई गांठ है तो खोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा की साबुन इस आत्मा को धो लो। और क्या करना है आपको मालूम है? आज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या बहू ने अपना दिल साफ कर लिया है। आज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या
बहू ने अपना दिल साफ कर लिया है। याद रखना, बिखरे पड़े हैं मोती, बिखरे पड़े हैं मोती, माला जरा पिरो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। और याद रखना एक बात, फिर क्या बनेगा धन का, जिस धन के चक्कर में, जिस पद के चक्कर में आपने रिश्ते खराब किए हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपने रिश्ते खराब किए हैं। याद रखना, उनके लिए एक सबक सिखा रहा हूं। फिर क्या बनेगा धन का, जो धाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे, जो नाक ना रही तो फिर क्या बनेगा धन का, जो धाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे, जो नाक ना रही तो। बेटी वालों के धन से, बेटी वालों के धन से ना अपना पेट पालो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, इस आत्मा को धो लो, इस आत्मा को धो लो। मेरा दर्द अगर आपके दिल को छुआ हो, इस दर्द के एहसास से आपका फर्ज जगा हो, कर्तव्य अगर जागृत हुआ हो, इस संवत्सरी महापर्व को मैं असल में मनाऊंगा, अभी तक नकली मनाया है, दिखावे के लिए मनाया है, मान सम्मान बढ़ाने के लिए मनाया है, अपनी तपस्या की छाप छोड़ने के लिए मनाया है, लोगों को दिखाने के लिए मनाया है, आज ऐसी संवत्सरी नहीं, आज मैं संवत्सरी पहले अपने को समझाने के लिए मनाऊंगा और फिर प्रतिक्रमण के बाद अपनों को मनाने के लिए मनाऊंगा। समझ गया, समझ गए? संवत्सरी उनकी होती है जो खुद को समझाता है, संवत्सरी उनकी होती है जिनको अपनों की याद आती है, जो रूठे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जिनको हमने झिड़कियां देकर हटाया है, स्वार्थ की वजह से भगाया है, हमने भी अपने स्वार्थ में आकर के रिश्तों को तोड़ा है, जिन जिनको अपनों की याद आ रही है, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं, प्लीज, हमने ढोंग करते करते पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन कम से कम आज ढंग से संवत्सरी मनाएंगे। जिनके दिल में प्रेम पैदा होता है वो ढंग से संवत्सरी मनाते हैं, और जो केवल ऊपर से दिखावा करते हैं वो ढोंग से संवत्सरी मनाते हैं। एक होता है ढंग, एक होता है ढोंग। ढोंग यानी बोलो ना, ये कठोर शब्द तो जरूर है, क्योंकि किसी को ढोंगी कहना बहुत गंदा लगता है, ढोंग शब्द सुनना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कहते कि हम का कह रहे हैं कि आप ढोंगी बनो, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि धर्म की आराधना हमें ढंग से करनी है, ढंग से यानी दिल से, ढोंग से यानी ऊपर से,
ऊपर से जो करता है, शरीर से जो करता है, वो ढोंग करता है, जो दिल से करता है, जो मन से करता है, वो ढंग से करता है। क्योंकि दिल ढंग का बना देता है, अभिमान हमें ढोंग करना सिखाता है, महत्वाकांक्षा हमें ढोंग करना सिखाती है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरा जोर इसलिए तपस्या पर नहीं रखता हूं, मैं ना किसी को ज्यादा जोर देता हूं, ना तपस्या की बहुत ज्यादा प्रेरणा देता हूं, मैं तपस्वियों का सम्मान करता हूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है। इस शासन की प्रभावना में जिसने अपने आप के शरीर को झोंक दिया है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे भी ज्यादा सम्मान में उनका करता हूं जिन्होंने अपने अंदर पड़ी हुई गांठों को खोल दिया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनका सम्मान नहीं, मैं उनका प्रणाम करता हूं, मैं उनको भव्य आत्मा मानता हूं जिन्होंने अपनी गांठ को खोला है। वो मेरे लिए भव्य आत्मा है, वो मेरे लिए किसी संत महात्मा से कम नहीं, वो चाहे आप श्रावक और श्राविका भी क्यों ना हो, वो मेरे लिए आदरणीय है, वो मेरे लिए पूजनीय है, जिन्होंने अपनी मन की गांठ को खोला है, जिन्होंने अपने रूठे हुए को गले से लगाया है, जिन्होंने आगे बढ़कर के हाथ थामा है। बेशक से हाथ थामने वाले ने तुम्हारा हाथ झड़क दिया हो, छिड़क दिया हो, लेकिन उसके बाद भी उसको मनाने का प्रयास किया है, मैं उनके त्याग को सबसे ज्यादा प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। अगर ये तुम कर पाओ तो सच कहता हूं आपकी जिंदगी में संवत्सरी महापर्व सोने से भी बढ़कर है। बोलते हो ना, आज का दिन कैसा हो, नारे तो बहुत लगाते हो जो साधु आवे, आज का दिन कैसा है सोने से भी महंगा है। मैं ये कहता हूं कि संवत्सरी महापर्व आपके लिए वरदान बन सकती है अगर अपनों की याद आ जाए, क्योंकि जो रूठे हैं वो कभी आपके अपने थे, जो आपसे रूठे हुए हैं ये जिनसे आप रूठे हुए हो, बात एक ही है, जो आपसे रूठे हुए हैं वो भी आपके अपने थे, जिनसे आप रूठे हुए आप भी उनके कभी अपने थे, बात कौन सी है। क्योंकि कभी कभी ये भगवान महावीर ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है, मैं समझाने का प्रयास कर पाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। हर परंपरा में, चाहे वो हिंदू परंपरा है, चाहे मुस्लिम परंपरा है, चाहे ईसाइयों की परंपरा है, चाहे सिखों की परंपरा है, चाहे बौद्धों की परंपरा है, और चाहे जैन परंपरा है, हर परंपरा के अंदर एक ऐसा त्योहार जरूर होता है जो मिलने और मिलाने का त्योहार होता है। हिंदुओं की परंपरा में एक त्योहार है, कौन सा, नहीं होली, होली, होली मिलन, हाँ, होली मिलन, वहां गले लगते हैं, लगता है उन्होंने होली नहीं मनाई इसलिए दशहरा याद आ गया, रक्षाबंधन याद आ गया। एक त्योहार है होली मिलन, गले मिलते हैं। मुसलमानों का एक त्योहार है ईद मिलन, हाँ, उसका नाम ही है ईद, और ईद का नाम मिलन से जोड़ा है, ईद मिलन, जिसको मीठी ईद कहते हैं, मीठी, जहां सेवई खाते हैं, वहां पर सेवई का बड़ा महत्व है, और उनके यहां ये ईद सबसे बड़ी ईद मानी जाती है। दूसरी ईद को बड़ा नहीं माना, जितना बड़ा मीठी ईद को माना गया है, मिठास से भरी हुई ईद को माना है, उनके ये सबसे बड़ी ईद है। बकरा ईद इतनी बड़ी ईद नहीं है, लेकिन मीठी ईद सबसे बड़ी ईद मानी जाती है, महत्वपूर्ण ईद है वो, उसको ईद मिलन कहते हैं, ईद मिलन। ऐसे ही ईसाइयों के अंदर अप्रैल डे होता है, वहां पर वो गले मिलते हैं, गिरजा घरों में जाकर के गले लगते हैं, बिछड़े हुयों को मिलते हैं, पकड़ते हैं, और कोई छिटक करके जाने लगता है तो जबरदस्ती पकड़ते हैं, कहते हैं कि ना जाना हमें छोड़कर, अभी दिल भरो नहीं। हमारे राजस्थान की परंपरा में भी एक त्योहार आता है कि वहां एक ड्रामा चलता है, और ड्रामे में चलते चलते भी बात असलियत में बदल जाती है,
वहां क्या होता है कि सास रूठ करके किसी पड़ोसी के यहां चली जाती है, सब है ड्रामा, वो रूठी हुई नहीं है, एक नाटक चल रहा है। सास रूठ करके पड़ोसी के यहां चली जाती है और घर की बहुएं सज धज के अपनी सास को मनाने के लिए जाती है, आओ नम्मा प्लीज, और वहां सब ड्रामा चल रहा है, ऊपर से चल रहा है वो मामला, क्योंकि कोई बहु सास रूठी हुई नहीं है और ना कोई बहुत दिल से मना रही है, क्योंकि एक विधान अपनानी है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इस विधा को मनाते मनाते क्या पता असली में मनाना आ जाए। ये कम से कम चीज तो रखी हुई है, ये परंपरा संभाल के तो रखी है कि बहू ने अपनी रूठी हुई सास को मनाना है, पड़ोसी के घर से उठाकर अपने घर में लाना। चलो ना माँ, तेरे बिना घर सूना लगता है, तेरे बिना घर सूना लगता है, तेरे बिना जीना बेगाना लगता है। जब ये शब्द कानों में पड़ते हैं सास के, तो दिल में गुदगुदी होती है, हाय बहू हो तो। अरे अपनों से कौन बिछड़ना चाहता है रे भाई, अपनों से कौन टूटना चाहता है। लेकिन अंदर का अहंकार और अंदर का स्वार्थ हमें दूसरों से तोड़ देता है। लेकिन जैन परंपरा का यह त्योहार बड़ा गजब का त्योहार है। हर त्योहार में कोई ना कोई प्रदूषण है, कई ध्वनि प्रदूषण है, कई पटाखे छोड़े जाते हैं, कई रंग बरसाए जाते हैं, कई फुलझड़ियां छुड़ाई जाती हैं, पटाखे छुड़ाए जाते हैं। लेकिन हमारा ये पर्व इतना पवित्र पर्व है, इस पर्व में कोई प्रदूषण, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये वो पर्व है कि अंदर मन का अंदर जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण को दूर करना है प्रेम के जल से, मैत्री के जल से, भावों की सुंदरता से। हमने इस मैल को दूर करना है, इतना पवित्र त्योहार है। हमने भोजन भी छोड़ा, पानी भी छोड़ा, इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करी। आप खाना छोड़ सकते हो हैं? लेकिन आप अंदर जो पड़ी हुई गांठ है उसे नहीं खोल सकते क्या? इन पर्वों के अलावा किसी को कहे जी आप अठाई कर लो तो आपको जोर लगता है, लेकिन इन दिनों में अठाई भी बड़ी खुशी के साथ कर जाते हो। लेकिन आप एक काम और क्यों नहीं करते कि जब मैं खाना छोड़ सकता हूं, छोड़ सकती हूं, आत्मा के कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, पर्युषण पर्वों की आराधना करने के लिए, संवत्सरी महापर्व मनाने के लिए मैं इतने काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मैं क्यों नहीं अपने अंदर का जहर निकाल कर दूसरे को मैं गले लगा लूं? ये क्यों नहीं कर सकता? जब और काम हो सकते तो ये क्यों नहीं हो सकता है? और आप मान करके चले आप प्रेम के अलावा कुछ भी करना, मैत्री भाव के अलावा कुछ भी करना, क्षमा पना अगर आपने नहीं करी है, माफ अगर नहीं किया है, दिल साफ नहीं किया है, तो हमारे पर्व अधूरे होंगे या पूरे? अधूरे। ये अधूरापन में आपके जीवन में नहीं देखा। मैं डर रहा हूं क्योंकि मुझे भविष्य नजर आ रहा है जैन धर्म का, कि किस तरह ये प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। हमारे बच्चों में अब अपने धर्म के प्रति रुचि नहीं रही, संतों के प्रति अनुरक्ति और भक्ति नहीं रही, संत अब अच्छे नहीं लगते आपके बच्चों को। मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, मैं और उनकी बातें भी बोल रहा हूं। यहां के बच्चों को तो हम अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन अच्छे लगने के लिए हमने उनके लिए कुछ ना कुछ किया है तब जाके अच्छे लगे हैं भैया। कुछ ना कुछ दिया है, समाज ने सहयोग किया है, बच्चों की ख्वाहिश का ध्यान रखा है, और ये बहुत बड़ा काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूं, बस केवल बच्चों को यहां आने दो, खेलने दो, खिलखिलाने दो, कुछ भी आपस में थोड़ी देर धुसम धुसम करे तो करने दो, फिर मिल जाएंगे। क्योंकि उनकी धुसम धुसम हमारी धुसम धुसम से बहुत खतरनाक, कोई ज्यादा खतरनाक, हमारी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप एक बार धुसम धुसम भी नहीं होती फिर भी तुम्हारे मुंह चढ़ जाते हैं, और वहां मार पिटाई होने के बाद फिर थोड़ी देर में जीने से एक साथ गले में हाथ डाल करके नीचे उतरते हैं वो,
क्या कमाल की बात है, बच्चों से कुछ सबक ले लीजिए, बच्चों से कुछ समझ ले लीजिए। जब बच्चे इतना दरिया दिल हो सकते हैं, आप इतने समझदार होकर के भी क्यों नहीं समझदार होते हो? आपके अंदर क्यों गांठ पड़ती चली जाती है, क्यों गांठ पड़ती चली जाती है? इन गांठों को हटाने के लिए क्या दूसरा ही प्रयास करे? आप खुद प्रयास नहीं कर सकते? आप ये तो कहते हो कि हाँ दूसरा माफी मांगेगा तो सोचूंगा, दूसरा कहेगा तो सोचूंगा। अभी भी पक्की बात नहीं है। हम दूसरों के लिए सोचते, दूसरा झुके तो मैं झुक जाऊंगा, लेकिन जब तक वो झुकेगा नहीं, क्या मजाल मैं झुक जाऊं। देखिए, किसी को झुकाने के भाव रखना यह भी एक पाप है, और खुद झुक जाना यह भी एक धर्म है, यह भी एक साधना है, यह भी एक तपस्या है, और यह तपस्या करना ही चाहिए आप लोगों को। कम से कम इस पवित्र ये पवित्रता देने के लिए संवत्सरी महापर्व आता है। सिख परंपरा में गुरु पर्व सबसे बड़ा आता है, गुरु नानक देव की जन्म जयंती, जिस दिन हमारा चतुर्मास का बिहार होता है या अंतिम दिन होता है, उसको गुरु पर्व कहते हैं, और कहीं ना कहीं गंगा स्नान भी कहते हैं। गंगा स्नान बहुत प्यारा पर्व है, ये हिंदुओं का पर्व है, जिसको कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, गंगा स्नान कहते हैं। और स्नान क्यों किया जाता बताओ? जब तुमको खूब पसीना आ रहा हो, घबराहट हो रही हो, गर्मी लग रही हो, तो तुम क्या करते हो? फटाफट तो ये संवत्सरी महापर्व भी शरीर का स्नान तो नहीं है, लेकिन मन का स्नान है। ये मन का स्नान है। आप शरीर को सजा धजा करके आए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, वाह क्या बात है, मजा आ गया। बस ये सजावट अब शरीर के अलावा अंदर भी जाने दो, अंदर भी जाने दो। चेहरा बड़ा सजा हुआ है, वस्त्र भी बड़े सजीले हैं, गहने गुने सब अच्छे ढंग से पहन रखे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हो। आप लोगों ने भी मुखवस्त्री का और समाय के परिधान में आप साधना कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन इस समाय को केवल शरीर तक मत रहने देना, अंदर तक जाने दो। ये जो धवलता है, ये जो शुभ्रता है, ये जो सफेदी है, जो आंखों को बड़ी सुहा रही है, शांति का प्रतीक है। समाज की वेशभूषा सफेद रंग की हमारी ये पोशाक रखी है, साधु का बाना रखा है, क्योंकि ये किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और मैंने तो समाज के अंदर कईयों को आग बबूला होते हुए भी देखा है, कईयों की आंख गर्म हो जाती है समाज में। मैं ये कभी कहता हूं कि भैया फटाफट कपड़े देख, जब आंख लाल देखता हूं तो मैं कहता हूं कपड़े देख अपने। वो कहने लगी मतलब क्या है आपका? नुके मिलान कर लाल आंख सफेद कपड़ा, क्या मेल? ये तो कोई मेल नहीं हुआ। आंखों में भी थोड़ी सी नरमाई लाओ, क्योंकि देखना जब क्रोध होते हो तो आंखें लाल, और जब प्रेम में होते हो तो आंखें मुस्कुराती है। आह आंखें क्या बताऊं, जब हम किसी को प्यार में देखते हैं ना, आंखों का मजा आ जाता है। आंखों की भी एक चमक है, आंखों ही बयां कर देती है प्रेम में। ये आंखें कितनी प्यारी लगती है, देखो आप कभी भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब क्रोध आए ना आपको बहुत जोर से, तुरंत शीशे के सामने जाया करो, तुरंत उस समय देखा करो आंखें कितनी लाल है, चेहरे पर कितनी त्योरियां पड़ रही हैं, और दांत पीसते हो। अरे ऐसी अवस्था में कहीं ब्रेन हेमरेज हो गया तो मुश्किल है। मैं सच कह रहा हूं, क्रोध में किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लेकिन प्रेम में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता, प्रेम में कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। ये प्रेम की ताकत है, ये मैत्री की ताकत है, ये संभाव की ताकत है, ये स्वभाव की ताकत है। क्यों नहीं इतनी अखूट संपदा हमारे भगवान ने जिनवानी में दी है, क्यों नहीं हम इसका इस्तेमाल करते हैं? इसी प्रकार बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर भिक्षु और भिक्षुणी, हर उसका श्रावक और श्राविका एक दूसरे के गले लगते हैं, अपनी की हुई भूलों के लिए माफी मांगते हैं बुद्ध पूर्णिमा में, बौद्ध धर्म के अंदर भी, क्योंकि धर्म तो बिना प्रेम के टिक ही नहीं सकता।
बिना प्रेम के धर्म टिक ही नहीं सकता है। मैंने एक दिन बोला था ना आपको, पुण्य हमें शक्तिशाली बनाता है लेकिन प्रेम हमें सहनशील बनाता है। वो शक्तिशाली बनाता है और प्रेम हमें सहनशील। सहनशील का मतलब क्या है कि कोई हमारा बुरा करे तो भी वो हमें अच्छा लगे, इसको कहते हैं सहनशीलता। ये सहनशील बनाता है प्रेम हमें, और ये प्रेम जितनी मात्रा में बढ़ेगा आप सहनशील भी बनोगे, आप प्रेम पूर्ण भी बनोगे, आप सच्चे धर्मात्मा बनोगे। और सच कहता हूं, जब आप प्रेम से भरे हुए रहते हो ना, आप चलते फिरते तीर्थ होते हो, आप चलते फिरते मंदिर होते हो, आप चलते फिरते अरिहंत प्रतिष्ठान होते हो, आप चलते फिरते संत होते हो, आप चलते फिरते महावीर होते हो, आप चलते फिरते भगवान होते हो। कब? जब आपके अंदर प्रेम होता है। और जब आपके अंदर क्रोध होता है तो आप चलते फिरते शैतान होते हो, आप चलते फिरते हैवान होते हो, आप चलते फिरते राक्षस होते हो, आप चलते फिरते असुर होते हो। क्योंकि क्रोध हमें शैतान बनाता है और प्रेम हमें वेरी गुड। जिसने बोला है, किसने बोला? बहुत प्यारा बोला। प्रेम हमें भगवान बनाता है, तो भगवान बनो ना। भगवान बनना है, आप सभी को भगवती बनना है। ये बेशक से हमने आज आपको लाल रंग की साड़ी पहनाई है, लेकिन इसमें क्रांति है। क्रांति का मतलब ये मत समझना कहीं लड़ना है, झगड़ना है। ये क्रांति का मतलब मैंने बोला था, क्रांति किसको कहते हैं? रिवॉल्यूशन। मैंने पढ़ा है ना, आर फॉर रिलीजन, आर फॉर रिलीजन, रिलीजन फॉर रिजल्ट, रिलीजन फॉर रिवॉल्यूशन, रिलीजन फॉर रिलैक्सेशन। ये रिलीजन के पर्यायवाची हैं। जो पॉजिटिव चेंज आता है हमारे अंदर, जो पॉजिटिव थिंकिंग आती है हमारे अंदर, ये जो पॉजिटिव चेंज है, ये रिवॉल्यूशन है, ये क्रांति है। और आप अपनी लाल साड़ी की यही क्रांति आपके अंदर लगे कि अभी खून दौड़ रहा है, खून ही नहीं प्रेम दौड़ रहा है। आप इस प्रेम के प्रतीक को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार जैन परंपरा के अंदर कौन सा पर्व? संवत्सरी महापर्व, बहुत गजब का पर्व है। ओहो, मैं सच कहता हूं, अगर हमारी जैन परंपरा के मानने वाले श्रावक और श्राविकाओं ने संवत्सरी महापर्व को, या मेरे दिगंबर भाई बहनों ने दस लाक्षणिक महापर्वों को अगर ईमानदारी से मनाया होता तो हमारा समाज जिस तरह बिखर गया है, ये समाज कभी बिखरा हुआ नहीं होता। अगर मनाया होता संवत्सरी महापर्व या दस लाक्षणिक महापर्व अगर हमने मनाया होता दिल से, तो सच बताऊं आपको, आज सरकार भी हमारी चिंता करती, सरकार भी हमारी चिंता करती। क्योंकि जैन अपने आप में एक है, क्योंकि हमारी वो चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि हम एक नहीं, हम एक नहीं है। अगर एक नहीं है तो कुछ भी करो हम नेक नहीं है। अगर एक नहीं है तो नेक भी नहीं है। नेक यानी समझ गए होंगे, नेक बोलते ना एक नारा आता, एक बनो और नेक बनो, नेक यानी अच्छे बनो। अगर एक नहीं है तो डेफिनेटली हम नेक भी नहीं है, हम अच्छे नहीं है। आप चाहे कितना भी इतराओ अपनी धर्म साधना के ऊपर, चाहे अपनी अपनी तपस्याओं पर कितना भी इतराओ, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर एक नहीं है तो हम नेक नहीं है, हम अच्छे नहीं है। क्योंकि पर्व हमें अच्छा बनाता है, नेक बनाता है, झुकना सिखाता है, मनाना सिखाता है, सहलाना सिखाता है, संवारना सिखाता है, संभालना सिखाता है। ये धर्म हमें सिखाता है। धर्म हमें धक्का देना नहीं सिखाता, धर्म हमें किसी की निंदा चुगली करना नहीं सिखाता, किसी की टांग खींचना नहीं सिखाता। अरे संवत्सरी के दिन में भी
हमारी समाजों के अंदर एक दूसरे की टांग खींची जाती है, इसने ये नहीं बोला, इसने वो नहीं बोला, इसने ये बोल दिया, ये वो है, ये वो है। अरे संवत्सरी के दिन भी आप कलह कर जाते हो, संवत्सरी के दिन भी आप इतने भाव बिगाड़ जाते हो, आज के दिन में भी कभी कभी मुझे दुख होता है और कभी कभी मैं कठोर बोल जाता हूं, क्योंकि आज मेरा भी दिन है माफी मांगने का। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मैं कठोर जरूर बोलता हूं लेकिन कठोर नहीं हूं मैं। अगर किसी ने मेरे दिल में झांक करके देखा हो, मैं किसी समाज को तोड़ना नहीं चाहता, मैं किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार करना नहीं सिखाता और चाहता भी नहीं हूं, लेकिन कभी कभी मुझे दर्द होता है अपनी शानदार विरासत को देखने के बाद, अपने भाई बहनों को भटकते हुए जब देखता हूं तो दर्द होता है मेरे दिल के अंदर कि इतनी सुंदर विरासत मिलने के बावजूद भी हमारे भाई बहन आपस में लड़ क्यों रहे हैं, संभल क्यों नहीं रहे, और इतने त्योहार मनाने के बाद, प्रेम मैत्री भाव का त्योहार मनाने के बाद भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे। तो उस दर्द में मैं बोलता हूं, आपको मेरे शब्द बुरे लगते होंगे लेकिन किसी ने मेरे दर्द को महसूस किया होगा तो उसके दिल में जरूर एक बात आई होगी कि आज हम ये साबित कर देंगे कि हमारे पास भी दिल है, और दिल तभी पता चलता है जब दिल से दिल मिला करते हैं। दिल पता तभी चलता है जब दिल से दिल मिला करते हैं, चेहरों से चेहरे मिला करते हैं, आंखों से आंखें मिला करते हैं, जिनके बीच में कई साल कई महीने हो गए हैं बोले हुए, उनके बीच में वार्तालाप प्रारंभ होता है, तब पता चलता है कि इन्होंने संवत्सरी महापर्व मनाया है, तब पता चलता है कि हमारी जिन शासन सुरक्षा सुरक्षित रहने वाला है, जिन शासन की सुरक्षा होने वाली है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं इन पर्वों का महत्व समझिए, ये पर्व केवल उपवास करने के लिए ही नहीं रह गए, ये पर्व केवल पोषण करने के लिए ही नहीं रह गए, ये पर्व केवल आलोचना पढ़ने के लिए ही नहीं रह गए, ये पर्व केवल प्रतिक्रमण करने के लिए नहीं रह गए। आप सोचना ये पर्व किसके लिए है, दिल से दिल मिलाने के लिए, क्योंकि संवत्सरी के दिन चार काम होते हैं, चार काम याद है आपको कौन कौन से, संवत्सरी के दिन चार काम होते हैं। पहला काम, एल्ले भाई, पहला काम उपवास। मैं बता रहा हूं, उपवास करके बैठे हो तब भी नहीं बोल रहे। सबसे पहला काम उपवास, दूसरा काम आलोयना, वेरी गुड, दूसरा काम आलोयना, तीसरा काम प्रतिकर्मण, चौथा काम क्षमापना। देखो कहां पूर्णता मिली है जाकर के, कहां पर गांठ खुली है जाकर के, कि आपने उपवास भी कर लिया, आलोयना भी पढ़ ली और सुन ली, प्रतिकर्मण भी कर लिया, लेकिन रूठे हुए को अगर नहीं दिल से लगाया, बहू और सास के प्रति, ननंद और देवरानी जेठानी के प्रति, ननंद और भाभी के प्रति अगर अभी भी दिल में मलाल बाकी है, फिर संवत्सरी कोनी, संवत्सरी कोनी। मैं वैदिक ग्रंथों में एक सूक्ति पढ़ रहा था, वहां क्या लिखा हुआ मैं आपको सुना रहा हूं पढ़ करके, असंवत्सरम, असंवत्सरम प्रायश्चित करने पाप द्वैगुण्यम, असंवत्सरम प्रायश्चित करने पाप द्वैगुण्यम, यानी अगर साल में एक बार भी अगर हम अपने पापों की भूलों की माफी नहीं मांगते, प्रायश्चित नहीं करते, तो अगले साल वे पाप दुगने हो जाते हैं, वे पाप दुगने हो जाते हैं, दुगने तिगने चौगुने हो जाते हैं वो पाप। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था रखी हर रोज प्रतिकर्मण की, फिर एक व्यवस्था रखी गांठ ना खुले तो पक्षी का प्रतिकर्मण कर लो भाई,
पक्षी को माफी मांग लो, एक पक्षी नहीं तो दूसरी पक्षी में मांग लो, फिर भी एक और छूट रख दी कि चलो तुम पक्षी में नहीं मानते तो 84 प्रतिक्रमण में माफी मांगो, हिसाब करो। और दो दो 84 पक्षियां गुजरने के बाद भी, तीन तीन 84 पक्षियां गुजरने के बाद भी, 84 पक्षी गुजरने के बाद भी अगर समस्त शरीर के अंदर भी आप अपना दिल साफ नहीं करते हो तो एक बात कहता हूं, कम से कम आगे से भगवान महावीर स्वामी का जयकारा मत लगाना, क्योंकि फिर हमें कोई हक महावीर स्वामी का जयकारा लगाने का है ही नहीं। महावीर का जयकारा, गौतम स्वामी का जयकारा, सुधर्मा स्वामी का जयकारा, आगमों को पढ़ने का अधिकार, शास्त्र स्वाध्याय करने का अधिकार केवल उनको मिला करता है जो लोग उपवास आयलोना प्रतिक्रमण करने के बाद क्या करते हैं, क्षमापना। वो वाली नहीं जो हर साल करते हो क्षमापना, दोस्तों को मालूम है क्या कहते, और भाई क्या हाल है भाई, कुछ कहा सुनाओ माफ करियो, ऐसे बोल रहे हो, मजा ले रहे हो। और दोस्त के बराबर में वो बैठा है जिससे आपको बोले 2 साल हो गए, 1 महीना हो गया, वर्षों हो गए, उसकी तरफ तुमने देखा भी नहीं। आपने ये कहा कि जब उसने नहीं देखा तो मैं कोई फालतू में हूं जो उसकी तरफ देखूं। अरे कोई बात नहीं, उसने नहीं देखा तू तो देख ले। और देखो कितनी गजब की बात है, मैं प्रवचन सुना रहा हूं और तुम लोग आपस में ये कह रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे, मालूम है क्या सोच रहे हो, आज तो महाराज जी इसके ऊपर सुना रहे हैं, आज इसके ऊपर सुना रहे हैं, कोई है ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है ये मेरे ऊपर सुना रहे हैं, दूसरे के ऊपर बड़ा गजब का महाराज ने वह मजा बांध दिया, ऐसा सबक सिखाया महाराज ने, पूछो मत। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने सुनते सुनते प्रवचन ये तो समझ लिया कि महाराज ने उनके ऊपर सुनाया है, ये क्यों नहीं सोचा आपने कि महाराज ने मेरे ऊपर सुनाया है, मुझे समझाया है। और जब तक ये दृष्टिकोण रहेगा आपका कि महाराज दूसरे के लिए है, तब तक आप ना सत्संग का उपयोग कर सकते हो ना पर्वों का उपयोग कर सकते हो। ये पर्व आप अपने लिए मनाने आए हो, अपने लिए आए हो मनाने के लिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने से और अपनों से गौर करना, क्या बोल रहा हूं, अपने से और अपनों से मिलने के पर्व का नाम है संवत्सरी। अपने पहले, अपने से, फिर अपनों से, बस पहले अपनों से मिलो, पहले अपने से मिलो, अपने से खुद से, पहले अपने से और फिर अपनों से। अपने से मिलना उपवास है, अपने से मिलना आयलोना है, अपने से मिलना प्रतिक्रमण है और अपनों से मिलना क्षमापना है, क्षमा याचना है, अपनों से मिलना क्षमापना है। आप केवल 3 काम करते हो बस, अपने से मिलते रहते हो और वो भी अपने से ढंग से नहीं मिलते, अपनी गलत बातों को भी सही ठहराते रहते हो आप। आपने किसी को ताना मारा और दूसरे ने भी ताना मार दिया तो तुम्हें यह समझ में नहीं आती कि उसने ताना बाद में मारा, पहले ताना मैंने मारा, ये भी तो सोच सकते हो। और दूसरे ये भी तो सोच सकते हो, अगर किसी ने दूसरे ने पहले ताना मारा तो ये भी तो सोच सकते हो कि कोई बात नहीं, उसने अपना समझ के ही तो मुझे ताना मारा, कम से कम वो मुझे अपना तो मानता है तभी तो ताना मारा, कोई बात नहीं हम उसे माफ करेंगे, हम उसे प्यार करेंगे, आप ये भी तो सोच सकते हो। पर लेकिन ये सोचना कौन सिखाता है, ये सोचना क्षमापना सिखाता है, संवत्सरी महापर्व सिखाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जितने भी भाई बहन बैठे हैं यहाँ पर, नीचे जितने भी भाई बहन बैठे हैं, क्योंकि नीचे वालों को मैं देख नहीं पा रहा लेकिन समाज की व्यवस्था से नीचे वाले मुझे देख पा रहे हैं। देखो क्या गजब का जादू है ना, संघ कितना बड़ा होता है, वाह मान गए संघ को। मैं
अपने संघ के अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। क्या सुंदर व्यवस्था की, ऊपर भी लोगों को चढ़ा रखा है, ऊपर भी है नीचे भी है बीच में भी है। वाह भाई वाह, ऊपर देव लोक है। अरे नहीं वो नहीं, पर तुम फिर वहां चले गए, मैं वहां नहीं बोल रहा हूं। ऊपर देवलोक का मतलब ऊपर जाप हुआ है। क्या सुंदर नजारा है, चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। देवलोक है ऊपर और नीचे मनुष्य लोक है। नीचे बोलना नहीं, नीचे बोलना नहीं, वो मुझे बोलना नहीं। पर लेकिन एक बात कहता हूं, तीनों लोग यहां विराजमान हैं, तीनों लोग यहां पर, क्योंकि परस्पर ग्रह जीवानाम, अगर आप उसको गहराई से देखो तो तीनों ही लोग उसमें समा गए हैं। तरस नाड़ी पूरी तरह उसमें समाहित है, तरस नाड़ी। वाह जीवा, क्या नमूना है और क्या सुंदर प्रतीक चुना है। ये मैं वहां मत देखू, यहां बीच में टेक रखा है मैंने। कई लोगों को तो ये भी आपत्ति है कि महाराज जी ने यहां सिखों को भी लपेट लिया, मुसलमानों को भी चपेट लिया, हिंदुओं को भी, सिखों को भी। ये मुझे लगाना पड़ा बीच में, पहले मैं चार ही लगाता था। एक ने कहा कि महाराज तुम्हें चार नजर आए, तुम्हें जैन धर्म नजर नहीं आया। तो मालूम है मैंने उसको क्या कहा, तुझे चार नजर आए, तुझे मैं नजर नहीं आया। अरे मैं जैन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं नजर नहीं आया, जीता जागता मैं तुम्हें समझ में नहीं आया। तब लोगों की सोचा कि रमणीक मुनि तू पचड़े में मत पड़, बीच में परस्परो गुरु जीवा नाम लगा, तब खोपड़ी में बैठेगी बात, तभी माफ करेंगे मुझे ये लोग। क्योंकि आपको प्रतीक तो नजर आते हैं, जिंदा व्यक्ति नजर नहीं आता है। आपको आगम नजर आते हैं, लेकिन आगम में छुपी हुई प्रेम और मोहब्बत की कहानी तुम्हें नजर नहीं आती है। तुम्हें पढ़ना जरूर है लेकिन समझना नहीं, संभलना नहीं। तो ये समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं मेरे भाइयों। मैं जितना तुम्हें समझा रहा हूं, भगवान करे मैं भी इतना ही समझदार बन जाऊं, मैं भी अपने आप को संभाले रखूं, क्योंकि आज कई और बातें भी हैं। आलोयना है, इसे हम हिंदी का प्रतिक्रमण भी कहते हैं, क्योंकि हिंदी में समझ आता है। प्राकृत के शब्द पढ़ने में आते हैं, सुनाने में आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको समझने में आता है। लेकिन ये वो प्रतिक्रमण है, ये हिंदी का प्रतिक्रमण जिसको कहते हैं, इसमें भावों में डूबिएगा, सरल शब्द हैं इसके अंदर। कहीं मुझे वजनदार शब्द लगे तो समझाने की कोशिश करूंगा। हम पढ़ते हुए चलेंगे, प्यार से, ध्यान से, अपने दिल को देखते हुए, अपने आप को समझते हुए, अपने आप को समझाते हुए। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। इस किताब का नाम है संवत्सरी आराधना, इसके बिना है संवत्सरी की साधना अधूरी। तो नाम है इसका संवत्सरी आराधना, ऊपर से विरधा लोयना, विरहद कहते हैं बड़ी को, आलोना। जब हम अपने को देखते हैं, अपनी निंदा करते हैं, इससे बड़ी कोई विरधा लोना नहीं हो सकती है। सिद्ध सिरे परमात्मा अरिगंजन अरिहं, इष्ट देव बंधु सदा भय भंजन भगवन, अरिहंत सिद्ध सिमरु सदा आचार जु अध्याय, साधु सकल के चरण को बंधु शीश नमाय, शासन नायक सुमरिए भगवंत वीर जिनंद, अलिए विघन दूरे हरे आपे परमानंद, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिए वांछित फल दातार, श्री गुरुदेव प्रसाद से होत मनोरथ सेद,
जो धन बरसत बेली तरो फूल फलन को वृत पंच परमेश्वरी देव को भंजन पुर पहचान करम अरि भाजे सभी होवे परम कल्याण श्री जी ने युग पट कमल में मुझ मन भरमर बसाय कब उगे वो दिन करो सिर मुख दर्शन पाए प्रणम पद पंकज मणि हरि गंजन हरि हंत कथन करो अब जीव को किंचित मुझ वीरतंत आरंभ विषय कसाय वस भमियों काले अनंत लख चौरासी योनि से अवतारो भगवंत देव गुरु धर्म सूत्र में नव तत्वादिक जोए अधिका ओछा जे कहिया मिथ्या दुष्कृत मोए मोह अज्ञान मिथ्या को भरियो रोग अदाग वेद राज गुरु शरण से ओ सद ज्ञान विराग जे में जीव विराधिया सेव्या पाप अठार प्रभु तुम्हारी साथ से बार बार धिकार बुरा बुरा सबको कहे बुरा नदी से कोए जो घट सोधू आपनो तो मोसो बुरा न कोए कहुआ में आवे नहीं अवगुण भरिया नंत लिखवा में क्यों कर लिखू जानो श्री भगवंत करुणा निधि कृपा करी कठिन करम मोय छेद मोह ज्ञान मिथ्यात को कर जो ग्रंथी भेद पतित उदाहरण नाथ जी अपना विरुद्ध विचार भूल चूक सब माहरी खमिए बारंबार माफ करो सब माहरा आज तलक ना दोष दीन दयाल देवो मुझे श्रद्धाशील संतोष आत्म निंदा सुध भनी गुणवंत वंदन भाव राग द्वेष पतला करी सबसे थिमत थिमाव छूटू पिछला पाप से नवा न बांधू कोए श्री गुरुदेव प्रसाद से सफल मनोरथ होए परिग्रह ममता तजी करी पंच महाव्रत धार अंत समय आलोए ना करू संथारो सार तीन मनोरथ ये तैया जो ध्यावे नित मन शक्ति सार वर्ते सदा पावे शिव सुख धन हरि हंत देव निग्रंथ गुरु संवर निद्रा धर्म केवल भाषित शास्त्र यही जैन धर्म नो आरंभ विषय कसाय तज शुद्ध संकित व्रत धार जिने अज्ञा पर मान कर निश्चे खेवो पार छन्न निकम्मो रहनो नहीं करनो आत्म काम भणनो गुणनो सीखनो रमनो ज्ञान आराम हरि हंत सिद्ध सब साधु जी जिने अज्ञा धर्म सार मांगलिक उत्तम सदा निश्चय शरणाचार घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सिमरन को चाव पर नरभव सफल जो करे दान शील तप भाव सिद्धा जैसो जीव है जीव सो ही सिद्ध होए कर्म मेल का अंतरा बुझे बिरला कोए कर्म पुद्गल रूप है जीव रूप है ज्ञान दो मिलकर बहु रूप है बिछड़िया पद निर्वाण जीव कर्म भिन्न भिन्न करो मनुष्य जन्म को पाए ज्ञान तम वैराग्य से धीरज ध्यान लगाए दर्व थकी जीव एक है क्षेत्र असंख्य प्रमाण काल थकी सर्वता रहे भावे दर्शन ज्ञान गर्भित पुंडगल पिंड में अलख अमूर्ति देव
फिरे सहज भव चक्र में यह अनादि देव। फल अतर घी दूध में तिल में तेल छिपाए, जू चेतन जड़ कर्म संग बंध्यो ममत पड़ दुख पाए। जो जो पुद्गल की दशा ते निज माने हंस, याही भरम विभावते बाढ़े कर्म को वंश। रतन बंध्यो गठड़ी विषे सूर्य छिप्यो घन माही, सिंह पिंजरा में यो दियो जोर चले कछु नहीं। जो बंदर मदिरा पिया मिच्छू डंकित गात, भूत लग्यो को तुक करे त्यों कर्म को उत्पात। कर्म संग जीव मूढ़ है पावे नाना रूप, कर्म रूप मल के टले चेतन सिद्ध स्वरूप। रहियो कर्म मूल छाय तप संयम से धोवता, ज्ञान ज्योति बढ़ जाए ज्ञान थकी जाने सकल। दर्शन श्रद्धा रूप चारित्र से आवत रुके तपस्या क्षपन स्वरूप। कर्म रूप मल के सुदे चेतन चांदी रूप, निर्मल ज्योति प्रकट भैया केवल ज्ञान अनूप। मूसी पावक सोहगी फूका तनो पाए, राम चरण चारो मिल्या मेल कनक को। कर्म रूप बादल मिटे प्रकटे चेतन चंद, ज्ञान रूप गुण चांदनी निर्मल ज्योति अमंद। राग द्वेष दो बीज से कर्म बंद की व्याध, ज्ञान तम ले राग से पावे मुक्ति समाध। अवसर बित्यो जात है अपने वस कुछ होत, पुण्य छता पुण्य होते है दीपक दीपक ज्योत। कल्प वृक्ष चिंता मणि इन भव में सुखकार, ज्ञान विदीन से अधिक भव दुख भंजन हार। राई मात्र घटवद नहीं देख्या केवल ज्ञान, ये निश्चय कर जान के तजिए प्रथम ध्यान। दूजा कभी न चिंतिए कर्म बंद बहु दोष, तीना चौथा ध्याय के करिए मन संतोष। गई वस्तु सोचे नहीं आगम वंचा नाही, वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी मगमाही। अहो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे जो ध्याय खिलावे बाल। सुख दुख दोनों बसत है ज्ञानी के घट माही, गिर सर्दी से मुकुर में भार भी जियो नहीं। जो जो पुद्गल फर्श ना नीचे फर्शे सोए, ममता समता भाव से कर्म बंद क्षय होए। बांध्या सोई भोगवे कर्म सुबह सुबह भाव, फल निर्जरा होते है ये समाधि चित चावे। बांधा बिन भुगते नहीं बिन भुगत्या न छुड़ाए, आप ही करता भोगता आप ही दूर कराए। पत कुपत घट बद करी रोग हानि वृद्धि थाए, यूं पुण्य पाप क्रिया होते है सुख दुख जग में पाए। सुख दिया सुख होते है दुख दिया दुख होए, आप हने नहीं और को तो आपको हने न कोए। ज्ञान गरीबी गुरु वचन नरम वचन निर्दोष, इनको कभी न छोड़िए श्रद्धाशील संतोष। सतमत छोड़ो हो नरा लक्ष्मी चौगनी होए, सुख दुख देखा कर्म की टाले टले न कोए। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन
सब धन धूलि समान, शील रतन मोटो रतन सब रतना की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन, शीले सर्पण आभड़े शीले शीतल आग, शीले अरिकर के श्री भय जावे सब भार, शील रतन के पारखी मीठा बोले देन, सब जग से ऊंचा रहे जो नीचा राखे नैन, तन कर मन कर वचन कर देत न कहो दो, कर्म रोग पातक झड़े देखत वाका मो, पान खरम तो इन कहे सुनतर वर मन, अब के बिछुड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए, तब तरवर उत्तर दियो सुनो पत्रिक बात, इस घर यही रीत है इक आवत इक जात, बरस दिना की गांठ को उच्छव गाय बजाए, मूर्ख नर समझे नहीं बरस गांठ को जाए, पवन तनो प्रतीक किन कारण ते दृढ़ करी, इनकी यही रीत आवे के आवे नहीं, करज बिराना काढ के खर्च किया बहुदाम, जब मुद्दत पूरी हुए देना पर से दाम, बिन दिया छूटे नहीं ये नीचे करमान, हंसा सके क्यों खरिए दाम बिराना जान, जीव हिंसा करता थका लोग मिष्ट अज्ञान, ज्ञानी इम जाने सही विस्मिलियो पकवान, काम भोग प्यारा लगे फल किम पाक समान, मीठा खाज खुजावता पीछे दुख की खान, जप तप संजम दो हलो ओ सद कड़वी जान, सुख कारण पीछे घनो निश्चे पद निर्वाण, दाब अनि जल बिंदु सुखियन विषियन को चाओ, भाव सागर दुख जल भरियो ये संसार स्वभाव, चढ़ उतंग जहाँ से पतंग शिखर नहीं वो कूप, जिस सुख भीतर दुख बसे सो सुख भी दुख रूप, जब लग जिसके पुण्य का पहुँचे नहीं करार, तब लग उसको माफ है अवगुण करे हजार, पुण्य छीन जब होते है उदय होते है पाप, दाजे बन की लाकड़ी प्रजले आपो आप, पाप छिपाया ना छिपे छिपे तो मोटा भाग, दाब दूबी न रहे रुई लपेटी आग, बहु बिती थोड़ी रही अब तो सुरत संभार, पर भव निश्चे जमनो वृथा जन्म मत हार, चार कोश ग्रामांतरे खर्ची बांधे लार, पर भव निश्चे जमनो करियो धर्म विचार, रज विरज ऊंची गई नरमाई के पान, पत्थर ठोकर खाते है करडाई के तान, अवगुण उर्धरिये नहीं जो हो वृक्ष बबोल, गुण निजे कालू कहे नहीं छाया में सोल, जैसी जापे वस्तु है वैसी दे दिखलाए, वहां का बुरा न मानिए वो लेन कहां से जाए, गुरु कारीगर सारिखा तांची वचन विचार, पत्थर से प्रतिमा करे पूजा लहे, संतन की सेवा किया प्रभु रीजत है आप, जा कबाल खिलाइए ताकर इज्जत बाप, भव सागर संसार में दीप श्री जिन राम, उत्तम करी पहुँचे तिरे बैठी धर्म जहाज, निज आत्म को दमन कर पर आत्म को चीन, परमात्म को भजन कर सो ही मत परवीन, समझ संके पाप से अनसमझू हर संत,
वे लुखा वे चीकना इन विद कर्म बधंत समझ सार संसार में समझू टाले दोष समझ समझ कर जीव डा गया अनंता मोक्ष उपसम विषय कसायनो संवर्ती नो योग क्रिया जतन विवेक से मिटे कर्म दुख रोग रोग मिटे समता बधे समकित व्रत अराद निर्वेरी सब जीव को पावे मुक्ति समाद इति भूल चोक मिच्छामि दुक्कड़म सिद्ध श्री परमात्मा हरिगंजन अरिहंत इष्ट देव बंधु सदा भय भंजन भगवंत अनंत चौबीसी जिन नमो सिद्धि अनंता कोड़ गणधरादित सर्व साधु जी समकित व्रत गुण धार यथा योग्य बंदन करे जिन अज्ञा अनुसारे नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्ञायानम नमो लोए सवसाहुनम ऐसु वंच नमो कारो सव पावपनासन मंगलानंच सवेसे परमं हवई मंगलम पंच परमेष्टि देव को भंजन पुर पंचान करम अरि भागे सभी शिव सुख मंगल थान अरिहंत सिद्ध समरु सदा आचार जो अध्याय साधु सकल के चरण को बंधु शीश नमाय शासन नायक सुमरिये वर्धमान जिन चंद अलिए विघन दूरे हरे आपे परमानंद अंगूठे अमृत बसा लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दातार श्री जिन युग पद कमल में मुझ मन आलिय बसाए कब उगे वो दिन करू श्री मुख दर्शन पाए प्रणामी पद पंकज भनी हरिगंजन अरिहंत कथन करूं अब जीव का किंचित मुझ वृतंत इति भूल चोक मिच्छामि दुक्कड़म पापों की आलोचना करनी है। सर्व पाप मूल मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व का। आज दिन इस भव में और पहले संख्यात असंख्यात अनंत भवों में कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सद्दहना प्ररूपना फरसना सेवना सेवना दिक संबंधी पाप दोष लगा हो उनका मिच्छामि दुक्कड़म। मैंने अज्ञानपन से मिथ्यात्वपन से अव्रतपन से कसायपन से अशुभ योग से प्रमाद करके अपछंदपना अवनीतपना किया। श्री अरिहंत भगवंत तीर्थंकर देव केवल ज्ञानी गणधर आचार्य जी धर्माचार्य जी उपाध्याय जी साधु जी महाराज आचार्य जी महाराज तथा सम्यक दृष्टि स्वधर्मी श्रावक और श्राविका इन उत्तम पुरुषों की तथा शास्त्र सूत्र पाठ अर्थ परमार्थ और धर्म संबंधी समस्त पदार्थों की अभक्ति अविनय असातना आदि की हो कराई हो अनुमोदी हो मन वचन काया से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सम्यक प्रकार विनय भक्ति आराधना फरसना पालना सेवनादिक यथा योग्य अनुकर्म से नहीं की हो कराई हो नहीं अनुमोदी हो तो मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। मेरी भूल चूक अवगुण अपराध सब मुझे माफ करो मैं मन वचन काया करके खमाता हूँ। मैं अपराधी गुरुदेव को तीन भवन को चोर ठगु बिराना माल में हा हा कर्म कठोर कामी कपटी लालची अपछंदा अवनीत
ऐ विवेकी क्रोधी कठिन महापापी दुर्नीत जे में जीव विराधिया सेविया पाप अठार नाथ तुम्हारी साख से बारंबार धिकार। पहला पाप प्राणाति पाप, मैंने छह कायपन से छह काय की विराधना की, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, वेन्द्रिय, इंद्रिय, चवरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सन्नी, असन्नी, गर्भज, चौदह प्रकार के समूर्छिम आदि तरस स्थावर जीवों की विराधना मन वचन काया से की हो, कराई हो, अनुमोदी हो। उठते, बैठते, सोते, हिलते, चलते, शस्त्र वस्त्र मकान आदि उपकरण उठाते, धरते, लेते, देते, वर्तते, वर्तावते, अपड़ी लेहन, दुपड़ी लेहना, संबंधी, अप्रमार्जना, दुष्प्रमार्जना, संबंधी, नून्याधिक, विपरीत पड़ी लेहना, संबंधी और आहार विहार आदि अनेक प्रकार के कर्तव्यों में संख्यात असंख्यात और निगोद आश्रित अनंत जीवों के जितने मैंने प्राण लूटे उन सब जीवों का मैं अपराधी हूँ। निश्चय करके बदले का देनहार हूँ। सब जीव मेरे प्रति माफ करो, मेरी भूल चूक अवगुण अपराध सब माफ करो। देवसी राई पक्षी चौमासी और संवत्सरी संबंधी बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म, बारंबार मैं खमाता हूँ, तुम सब मुझको क्षमा करो। खामे में सवे जीवा खामंतो में मिट्टी में सव भूये सुवेर मध्यम ने कहनाई। वह दिन धन्य होगा जिस दिन छह काय के वेर बदले से मैं निवृत्त होऊंगा, समस्त 84 लाख जीव योनि को अभेदान देऊंगा। वह दिन मेरा परम कल्याण का होगा। सुख दिया सुख होते है, दुख दिया दुख होए, आप हने नहीं और का, आपको हने न कोए। दूसरा पाप मिर्सावाद, झूठ बोलना, क्रोध के वश, मान के वश, माया के वश, लोभ के वश, हास्य के वश, भय के वश, मिर्सा यानी झूठ वचन बोला, निंदा वी कथा की, कर्कश कठोर मर्म वचन बोला इत्यादि अनेक प्रकार से मिर्सा बोला, बुलवाया और अनमोदा उनका मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। थोपन मोसा में किया करी विश्वास घात, पर नारी धन चोरिया प्रगट कयो नहीं जात। मुझे धिकार धिकार बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। वह दिन धन्य होवेगा जिस दिन सभी प्रकार से मृषावाद का त्याग करूंगा, वह दिन मेरा परम कल्याण का होगा। तीसरा पाप अदत्ता दान, बिना दी हुई वस्तु चोरी कर लेना, ये बड़ी चोरी लोक विरुद्ध, अल्प चोरी, मकान संबंधी अनेक प्रकार के कर्तव्यों में उपयोग सहित या बिना उपयोग से अदत्ता दान मन वचन काया से चोरी की, कराई और अनुमोदी तथा धर्म संबंधी ज्ञान दर्शन चरित्र और तप श्री भगवंत गुरुदेव की बिना आज्ञा किया उसका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन सर्व प्रकार से अदत्ता दान का त्याग करूंगा, वह दिन मेरा परम कल्याण का होगा। चौथा पाप मैथुन, मैथुन सेवन करने के लिए मन वचन और काया के योग परवर्ताए, नववाड़ सहित ब्रह्मचर्य नहीं पाला, नववाड़ में अशुद्धपन से प्रवृत्ति हुई, मैंने मैथुन सेवन किया, दूसरों से सेवन कराया और सेवन करने वालों को अच्छा समझा, उसका मन वचन काया से मुझे
धिक्कार धिक्कार बारंबार। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं नववार सहित ब्रह्मचर्य शील रतन आराधूंगा, यानी सर्वथा प्रकार से काम विकार से निवृत्त होऊंगा, वह दिन मेरा परम कल्याण का होगा। पांचवा पाप परिग्रह, सचित परिग्रह, दास और दासी, द्विपद, चतुष्पद, पशु आदि अनेक प्रकार के, और अचित परिग्रह सोना चांदी वस्त्र आभूषण आदि अनेक प्रकार के हैं, उनकी ममता, मूर्छा की, क्षेत्र घर आदि नौ प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के आभ्यंतर परिग्रह को रखा हो, रखाया हो और अनुमोदा हो, तथा रात्रि भोजन अभक्ष्य आहार आदि संबंधी पाप दोष से या हो, वह मुझे धिकार धिकार बारंबार, मिच्छामि दुक्कड़ाम। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर संसार के प्रपंच से निवृत्त होऊंगा, वह दिन मेरा परम कल्याण रूप होगा। छठा पाप क्रोध, क्रोध करके अपनी आत्मा को तथा पर आत्मा को दुखी किया हो। सातवां पाप मान, अहंकार भाव लाया, 3 गौरव, 8 मद आदि किया। आठवां पाप माया, धर्म संबंधी तथा संसार संबंधी अनेक कर्तव्यों में मैंने कपट किया हो। नौवां पाप लोभ, मूर्छा भाव लाया, आशा तृष्णा वांछा आदि की हो। दसवां पाप राग, मन पसंद वस्तु से स्नेह किया हो। ग्यारहवां पाप द्वेष, ना पसंद वस्तु देखकर उस पर द्वेष किया हो। बारहवां पाप कलह, अशुभ वचन बोलकर क्लेश उत्पन्न किया हो। तेरहवां पाप अभ्याख्यान, झूठा कलंक लगाया हो। चौदहवां पाप पैशून्य, दूसरे की चुगली की हो। पंद्रहवां पाप पर परिवाद, दूसरे का अवगुणवाद बोल्या हो, यानी निंदा की हो। सोलहवां पाप रति अरति, 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार हैं। इनमें मन पसंद पर तो राग किया और नापसंद पर द्वेष तथा संयम तप आदि पर अरति अरुचि की तथा आरंभादि असंयम प्रमाद में रति यानी रुचि भाव किया हो। सत्रवां पाप माया मिर्षावाद यानी कपट सहित झूठ बोल्या हो। अठारवां पाप मिथ्या दर्शन शल्य, श्री जिनेश्वर देव के धर्म में शंका कुशंका तथा विपरीत श्रद्धा पर रूपना की हो। इस प्रकार 18 पाप द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, जानते अजानते, मन वचन और काया से सेवन किया हो, कराया हो, अनुमोद्या हो, दिया वा राव वा यानी दिन में रात में, एगो वा परिसागो वा सुत्ते वा जागर माने वा सोए हुए जागे हुए, इस भव में पर भव में पहले संख्यात असंख्यात अनंत भव में भव भ्रमण करते हुए आज दिन तक, जब से आपका जन्म हुआ तब से लेकर आज इस तारीख तक 3 सितंबर 2019 तक बोलना है, राग द्वेष विषय कसाय आलस प्रमाद आदि पौदगलिक प्रपंच पर गुण पर्याय की, विकल्प भूल की, विराधना की, शुद्ध श्रद्धा शील संतोष क्षमा आदि निज स्वरूप की विराधना की, उपशम विवेक संवर सामायिक पोषद ध्यान मौन आदि व्रत पचखान दान शील तप वगैरह की विराधना की, परम कल्याणकारी इन बोलों की आराधना पालना आदि मन वचन काया से नहीं की, नहीं कराई और नहीं अनुमोदी। 6 आवश्यक सम्यक प्रकार से विधि उपयोग सहित आराधना नहीं
पाला नहीं, फरसा नहीं, विधि उपयोग रहित निरादर पने से किया, यानी प्रतिक्रमण करते हुए कहीं पसर जाना। नोगे तू बोलता रहे, आपन तो बैठे भाई, विवेक नहीं रखना, पसर जाना, प्रतिक्रमण में वार्तालाप करना, और भाई क्या हालचाल है। नोगे भाई प्रतिक्रमण होने देना यार, मैं तो वैसे ही आ गया, ऐसे ये निरादर है, ये प्रतिक्रमण का निरादर है। तो विधि उपयोग रहित निरादर पने से किया, किंतु आदर सत्कार भाव भक्ति सहित नहीं किया। ज्ञान के 14, संकित के 5, वर्तों के 7, कर्मादान के 15, संलेखना के 5, इन 99 अतिचारों में साधु जी के 125 अतिचारों में तथा 52 अनाचारों का श्रद्धानादि में विराधना आदि जो कोई अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार आदि सेवन किया, सेवन कराया, अनुमोदना की, जानते अजानते मन वचन काया से उनका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार बारंबार। मैंने जीव को अजीव श्रद्धा पर रुपया हो, अजीव को जीव श्रद्धा पर रुपया हो, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म श्रद्धा पर रुपया हो, तथा साधु को असाधु, असाधु को साधु श्रद्धा पर रुपया हो, तथा उत्तम पुरुष साधु मुनिराज महासतिया जी की सेवा भक्ति मान्यता आदि यथा विधि नहीं की हो, नहीं कराई हो, नहीं अनुमोदी हो, तथा असाधुओं की सेवा भक्ति मान्यता आदि का पक्ष किया, मुक्ति मार्ग में संसार का मार्ग यावत 25 मिथ्यात्व में से किसी भी मिथ्यात्व का सेवन किया, सेवन कराया, अनुमोदा मन वचन काया से 25 कसाय संबंधी, 25 क्रिया संबंधी, 33 असातना संबंधी, ध्यान के 19 दोष, वंदना के 32 दोष, सामायिक के 32 दोष, पोषद के 18 दोष संबंधी मन वचन और काया से जो कोई पाप दोष लागया हो, लगाया हो, अनुमोदा हो, उसका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार, उसका मुझे धिक्कार बारंबार। महामोहनीय कर्म बंध के 30 स्थान को मन वचन और काया से सेवन किया, सेवन कराया, अनुमोदा, शील की 9 वार तथा 18 8 प्रवचन माता की विराधना आदि, श्रावक के 21 गुण और 12 व्रत की विराधना आदि मन वचन और काया से की हो, कराई हो, अनुमोदी हो, तथा 3 अशुभ लेश्या के लक्षणों की तथा अन्य बोलों की आराधना की हो, चर्चा वार्ता वगैरह में श्री जिनेश्वर देव का मार्ग लोपा हो, गोपा हो, नहीं माना हो, ऐ छते की स्थापना की, छते की स्थापना नहीं की, और ऐ छते का निषेध नहीं किया, छते की स्थापना, ऐ छते का निषेध करने का नियम नहीं किया, कलुषता की तथा 6 प्रकार के ज्ञानावरणीय बंध के बोल, ऐसे ही 6 प्रकार के दर्शनावरणीय बंध के बोल, 8 प्रकार की अशुभ प्रकृति बंध का, 55 कारणों से पाप की 82 प्रकृति बांधी हो, बंधाई हो, अनुमोदी हो, मन वचन काया करके उनका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार, उसका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार। एक एक बोल से लगाकर कोड़ा कोड़ी यावत संख्याता असंख्याता अनंता बोलों में से जानने योग्य बोलों को सम्यक प्रकार से जाना नहीं, श्रद्धा नहीं, पर रुपया नहीं, तथा विपरीतपन से श्रद्धा आदि की हो, कराई हो, अनुमोदी हो, मन वचन और काया से उसका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार। एक एक बोल से यावत अनंता अनंता बोलों में छोड़ने योग्य बोल को छोड़ा नहीं, उनको मन वचन काया से सेवन किया, सेवन कराया और अनुमोदा, उनका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार। मिच्छामि दुक्कड़म,
एक एक बोल से लगाकर जाओ अनंता अनंता बोलो में, आदरणे योग्य बोलो को आदरा नहीं, आराधा नहीं, पाला नहीं, फरसा नहीं, विराधना खंडना आदि की हो, कराई हो, अनुमोदी हो, मन वचन काया से उसका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार। इच्छामि दुक्कड़म श्री जिन भगवंत जी महाराज, आपकी आज्ञा में जो जो मैंने प्रमाद किया हो और सम्यक प्रकार से उद्यम नहीं किया, नहीं कराया, नहीं अनुमोदा, मन वचन काया करके अनज्ञा में उद्यम किया, कराया, अनुमोदा, एक अक्षर के अनंत भाग मात्र, दूसरा कोई स्वपन मात्र में भी श्री भगवंत महाराज आपकी आज्ञा से नून्याधिक विपरीत प्रवृत्ति की हो तो उसका मुझे धिक्कार धिक्कार बारम्बार। मी दुक्कड़म उसका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार। मिच्छामि दुक्कड़म श्रद्धा अशुद्ध प्ररूपना करी फरस न सोए अनजाने पक्षपात में। मिच्छामि दुक्कड़म मोए सूत्र अर्थ जानो नहीं अल्प बुद्धि अनजान जिन भाषित सब शास्त्र का अर्थ पाठ परमान। देव गुरु धर्म सूत्र को नव तत्वाधिक जोए अधिका ओछा जे कैया। मिच्छामि दुक्कड़म मोए भूमंग से लिया हो रहियो नहीं ज्ञान रस भींज गुरु सेवा ना करी सको किन मुझ कारज सीझे। जाने देखे जे सुने देव सेवे मोए अपराधी उन सबन का बदला देसू सोए। गबन करो भुगचा तन द्रव्य भाव सब कोए लोकन में प्रगट करूं सुई पुई माई मोए। जैन धर्म शुद्ध पाए के वर्तों विषय कसाए ये अचंभा हो रहिया जल में लागी लाए। जितनी वस्तु जगत में नीच नीच से नीच सबसे मैं पापी बुरो फसु मोह के बीच। एक कनक और कामनी दो मोटी तलवार उठ्यो थो जिन भजन को बीच में लीनो मार। मैं महापापी छाड़ के संसार छार छार ही का विहार करूं अगला कछु धोए की फेर कीच बीच रहूं। विषय सुख चाहूं मन प्रभुता वधारी है करते फकीरी ऐसी अमीरी की आस करूं। काहे को धिक्कार सिर पगड़ी उतारी है त्याग ना कर संग्रह करूं विषय व मन जिम आहार तुलसी ए मुझे पतित को बारंबार। राग द्वेष दो बीच हैं कर्म बंद फल देत इनकी फांसी में बंध्यो छूटू नहीं अचेत। रतन बंध्यो गठड़ी विषे भानो छिपियो घन माई सिंह पिंजरा में दियो जोर चले कछु नहीं। बुरा बुरा सबको कहूं बुरा नदी से जो घट सो दू आपनो तुमो सुबुरा ना कोए। कामी कपटी लालची कठिन लोह को दाम तुम पारस्पर संगति स्वर्ण था सुस्वाम। मैं जप हीन हूँ तप हीन हूँ प्रभु हीन संवर संगतम हे दयाल हे कृपाल करुणा निधि आयो तुम शरणागतम आयो तुम शरणागतम। नहीं विद्या नहीं वचन बल नहीं धीरज गुण खान तुलसी दास गरीब की पत रखो भगवान। जिन्हें पढ़ना नहीं आता जिन्हें बोलना नहीं आता वो बोल रहे हैं कि मेरे पास विद्या नहीं ना वचन का बल है ना धीरज है ना कोई गुण है।
तुलसीदास कहते कि भगवान मैं तो गरीब हूं, तू ही मेरो रखवालो है, तेरे ही सहारे मारी जीवन की डोर है, अब तू ही संभाल के रखियो, आपन को कुछ आवे जावे को नहीं। विषय कसाए अनादि को भरियो रोग अगाध, वेद राज गुरन से पाऊ चित समाद, कहवा में आवे नहीं अवगुण भरियानंत, लिखवा में क्यों कर लिखू जानो श्री भगवंत। आठ कर्म प्रबल करी भमियो जीव अनादि, आठ कर्म छेदन करी पावे मुक्ति समाध, पथ कुपत घटवध करी रोग हानि वृद्धि थाय, इम पुण पाप क्रिया करी सुख दुख जग में पाए, बांध्या बिन भुगते नहीं बिन भुगत्या न छुटाए, आप ही करता भोगता आप ही दूर कराए, हूँ ऐवे वेकी मोहवश आंख नीच अंधियार, मकड़ी जाल बिछाए के फसो पाप धिकार, सर्व भक्षी जिम अग्नि हूँ तपियो विषय कसाय, अवछंदी अवनीत में धर्मी ठग दुख दाए, कहा भयो घर छाड़ के तजियो न माया संग, नाग तजी जिम काचली विषय नहीं तजियो अंग, आलस विषय कसाय वस आरंभ परिग्रह काज, योनि 84 लख भम्यो अवतारो महाराज, आत्म निंदा शुद्ध भनी गुणवंत वंदन भाव, राग द्वेष उपशम करी सबसे खिमत खिमाव, पुत्र कुपुत्र जो में हुआ अवगुण भरियो अनंत, अपनो विचार के माफ करो भगवंत, शासन पति वर्धमान जी तुम लग मेरी दौड़, जैसे समुद्र जहाज बिन सूझत और न ठोरे, भव भ्रमण संसार दुख ताका वार न पार, निर्लोभी सदगुरु बिना कौन उतारे पार, भव सागर संसार में दीपो धर्म पतित उदाहरण, अपनो अपनो विरुद्ध विचार भूल चूक सब महरी खमिए बारम, माफ करो सब महरा आज तलक न दोष, दीन दयाल सब महरा आज तलक र दोष, दीन दयाल देवो मुझे श्रद्धाशील संतोष, वो मुझे सरदाशील संतोष, देव अरिहंत निग्रंत गुरु संवर निजराधार में, देव अरिहंत निग्रंत गुरु संवर निजराधार में, केवल भाषित शास्त्र यही जैन धर्म को मर्म, इस अपार संसार में और शरण नहीं कोई, याते पद कमल ही भक्त सहाई होए, छूटू पिछला पाप से नाना बांधू कोए, श्री गुरुदेव प्रसाद से नवाना बांधू, आरंभ परिग्रह तजी करी समकित व्रत आराध, अंत समय आलोए के अनसन चित समाध, तीन मनोरथ ये कैया जो ध्यावे नित मन, शक्ति सार वर्ते सही पावे शिव सुख धन। श्री पंच परमेश्वरी भगवान गुरुदेव महाराज जी आपकी आज्ञा है, सम्यक दर्शन चरित्र तप संयम संवर निर्जरा और मुक्ति मार्ग यथा शक्ति से शुद्ध उपयोग सहित आराधने पालने हर्षने की आज्ञा है, बारंबार शुभ योग संबंधी सज्जाय ध्यानादिक
अभिग्रह नियम पचख्यान आदि करने की समिति गुप्ति प्रमुख आराधने की सर्व प्रकार से आज्ञा है। निश्चय चित्त शुद्ध मुखत पढ़त तीन योग थिर थाय दुर्लभ दिसे कायर हलु करमी चित भाय अक्षर पद हीनो अधिक भूल चूक जो होए अरिहंत सिद्ध आत्म साक से मिच्छामी दुकड़म मोए अरिहंत सिद्ध आत्म साख से मिच्छामी दुकड़म मो। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी जय।